चैनल चलाई हो, अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई लास्ट एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी ड्राइवर के साथ में, अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लीजिए। जैसे कि ड्राइवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है एक फ्रेडी नाम के बंदे की वजह से। बहुत बड़े बड़े बंदे प्लान बनाते हैं ऊपर से, फिर अभी भी अटैक्स नहीं रुके और ये सारा काम अब तो जोन एज कर रहा है शायद से, मेरे को लगता है। क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसने बहुत ज़्यादा बड़ी धमकी मतलब हमको दी थी और बोला था कि ड्राइवर कितने तो दम लगा ले कल के एपिसोड में, तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि तेरे पापा शहर में नहीं है। एंड फिलहाल भाई सच्ची कोई रॉबर्ट फिर शहर में नहीं है, वो चले गए थे, ड्राइवर की मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी इसलिए उनको जाना पड़ा था। क्योंकि हर साल वो सेम उसी जगह पर जाते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं फिर आते हैं, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, मैं फ़ोन भी नहीं कर सकता उनको हेल्प के लिए। अब देखा जाए तो ड्राइवर खुद तो घायल है एंड ऊपर से मेरे प्यारे भाइयों जल्दी से ख़त्म करो नमूनों को, मुझे लगता है खुद ड्राइवर को ही मारना पड़ेगा। देखो भाई फिलहाल मैंने आपको बोल के रखा है अपना फेक ड्राइवर है, जल्दी से मेरे प्यार लाल। ओके ये बंदा शायद लगी ही इसको गोली बट कोई ख़त्म नहीं हुआ। मैं चेक करता हूँ आखिर इस अटैक के पीछे क्या है। दरअसल आपको बताइए हमारा ये ड्राइवर को हमने आराम सेफली इस ट्यूब में रखा था जो मिस्टर वाइट ने हमको दे करके रखी थी, उसमें इसको रखा था अपने बंकर में। बट आज सुबह सुबह पता लगा बंकर में बहुत सारे बंदे हमला करने के लिए आने वाले, तो हमने इसको फिर शिफ्ट करना सोचा। शिफ्ट करने के लिए लेकर के जा रहे थे ड्राइवर को एंड अचानक से रास्ते में बंदे पहुंच गए अटैक करने के लिए। फिलहाल इस ट्यूब में से ड्राइवर को बाहर नहीं निकाल सकते, अगर निकाला तो सारा सारा काम खराब हो जाएगा, इसलिए बाकी जो भी वही देख लेगा। तो चलिए ड्राइवर जी बस चलते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मेरे बंदे देख लेंगे बाकी सभी गार्ड्स को, सब कुछ सेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक सेकंड ड्राइवर ब्रो जरा वेट कर, मेरे को ही लगता है बंदों को मारना पड़ेगा। फिर बंदे बहुत ज़्यादा दूर है और जब ज़्यादा दूर होते हैं तो एम ठीक से नहीं हो पाता, दूसरी बात यूजी की तो इतनी लिमिट भी नहीं होती कि इतनी दूर से जा करके सारे सारे काम कर ले। बट फिर कोशिश करते हैं इनको मार दे, जोनेज सच्ची है बहुत ज़्यादा बुरा पिटेगा मुझसे अगर जोनेज ने सारा काम करवाया होगा, कन्फर्म हो जा रहे। तो बहुत बड़ी बड़ी धमकी दे रहा था कि ड्राइवर तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एंड फिलहाल भाई अभी तक तो ड्राइवर के पापा को पता नहीं है कि ड्राइवर की हालत क्या हो गई है। एक बार ड्राइवर के पापा को ये पता लग जाएगा ड्राइवर घायल है और वो वापस आएंगे। एंड भाई वो नेक्स्ट एपिसोड में वापस आने वाले हैं, बस अब सोचिए कि वो क्या करेंगे। मुझे तो सोच सोच के मज़ा आ रहा है अभी से ही कि रॉबर्ट फिलिप्स क्या करने वाले हैं उन बंदों के साथ में, बहुत बुरा होने वाला है, मज़ा आएगा। मुझे लगता है सभी वहाँ पर डी एंड ना कर दे जितने बंदों ने भी ड्राइवर को टच करने की कोशिश करी है, बहुत बुरा हो जाएगा। ये किस टाइप का भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा ट्यूब है, इसमें गोली आर पार जा रही है, ड्राइवर को भी लग रही है शायद से, हमें इसके लिए मिस्टर वाइट से बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब इसके आर पार चीज़ें निकल जाती है, बहुत बढ़िया। किस टाइप का ट्यूब है यार ये, तो ट्रांसपेरेंट टाइप की चीज़ लग रही है मेरे को, जो भी जैसे भी हो तो मेरे को बाद में पता कर लूँगा। चलो ठीक है बॉम्ब से ही काम लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तक काम चल ही रहा, वैसे बॉम्ब डालते हैं रास्ते में। ये लो भाई बॉम्ब तो अलग ही लेवल पे निकल गया, कच्ची में ये डाल कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहा है, स्टिक बॉम्ब काम ही नहीं आने वाला। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग इनको आराम से अपनी मेन गन से ही मार लेंगे। जल्दी जल्दी ख़त्म करो भाइयों, जब भी मैं इनको गोली चलाता हूँ नमूने दूर हो जाते हैं एंड फिर गोली का कुछ असर ही नहीं होता बंदों को। एंड दूसरी गन मैं यूज़ नहीं कर सकता, मुझे लगता है एक सेकंड में रुक करके मार पहले को मार ही लेता हूँ। रुको भाई रुको रुको रुको, आराम से तुम लोग ट्रक पर जाओ, मुझे ज़रा ड्राइवर का दो चार मिनट दो, इनको बनाता हूँ मैं नेता। अब इतने बड़े वाले हो गए तुम लोग, मतलब मैं चाहता हूँ ड्राइवर सेफ रहे तो इसलिए मैं रुक नहीं रहा था, नहीं तो ड्राइवर को हल्के में लेते ये, भले ही ड्राइवर के जैसे क्लोन हो दिखने वाला बंदा हो बट है बड़ा ही दमदार, आप इसको हल्के मत ले लेना, बहुत पावरफुल बंदा है ये भी क्योंकि ड्राइवर ने इसको बनवाया स्पेशली। आधा रोबोट है बंदा जो अपना आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इस पर हमने स्विच करके रखा हुआ है, ये मतलब ड्राइवर नहीं है बट ये ड्राइवर के दिखने वाला है बट काफ़ी पावरफुल है। फिलहाल एक बात समझ नहीं आई यार, इस ट्यूब के गोली आर पार निकल गई, अमेजिंग लेवल। पता करता हूँ मिस्टर मैंड से कि आखिर है क्या चीज़। मिस्टर मैंड मुझे बोलता है कि तुम उसको खुले में क्यों ले कर गए, उसको सेफ ले की जगह पर रखो। दरअसल भाई इसका जो नीचे का बेस है ना जिस पर ड्राइवर खड़ा है वो मेन चीज़ है, वो ही है मेन चीज़ मशीन बंदे को हाइबरनेट करने की। बाकी जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो नीचे से बन के निकला हुआ है, मतलब कि एक होलोग्राम, वो सिर्फ एक नकली होलोग्राम की चीज़ है, ऊपर कुछ भी असली नहीं है, फिर नीचे का बेस असली है। ये बोल रहा है अगर तू उसको टच करना चाहेगा टच हो जाएगा, ग्लास नकली है एक होलोग्राम है, आर पर हाथ निकल जाएगा लगा के देख ले, बट उससे ऐसे मत कर बार बार क्योंकि मेरे इस ट्यूब में खराबी हो सकती है क्योंकि मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन करके रखा हुआ है, अमेजिंग लेवल। सिर्फ नीचे का बेस असली है भाई जिस पर ड्राइवर को चिपका के रखा हुआ है या फिर जैसे भी खड़ा है मेरे को पता नहीं क्योंकि ट्यूब के फंक्शन है, बट ये ऊपर का बेस है ये सब कुछ एक नकली भ्रम है, होलोग्राम, अमेजिंग लाइट है सब कुछ। चलिए बढ़िया, तो ठीक है ड्राइवर को कुछ सेफ जगह पर करते हैं भाई शिफ्ट। ऊपर से गोली लग गई, सांस इसको आने रहा ठीक से, और बेकार काम हो गया। पता करता हूँ लेसर से, लेसर पता कर लेगा जल्दी कि आखिर किसका उल्टा काम था। मैं ड्राइवर को वापस से लेकर के पहुंच चुका हूँ, आप देख रहे हो बंकर में इसको मैं लगा दिया, फिलहाल इसके ब्लड वगैरह साफ किया एंड सारे काम किए। एंड अभी मैंने यहाँ पर अपने कुछ अच्छे प्यारे बहुत अमेजिंग साइंटिस्ट बुला के रखे जो दुनिया के अलग अलग कोने से है, काफ़ी स्किल से मैं बताई जा रही है। देखो रॉबर्ट फिलिप्स जब तक नहीं आएंगे तो इनसे काम लेना पड़ेगा, देखते क्या है कुछ क्योर कर सकते हैं। वैसे तो मिस्टर माइंड भी हाथ मतलब खड़े कर गया इस मामले में, बोल रहा कि ड्राइवर यार इस मैटर में कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा
और ऊपर से इस तरीके के वायरस फ्रेडी बहुत खतरनाक बनाता है, मैं बच्चा हूँ उसके आगे वायरस बनाने में। अब देखो जो भी है वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है पक्का नहीं बोलूंगा, पर ट्रेवर की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेस्टर के पास निकलता हूँ कुछ प्लान बनाते हैं। अब की बार जिस वाले बंकर में मैंने ट्रेवर को रखा है ना वो काफी सेफ है और वो तो बिल्कुल नया ही है। अब देखना है कि कब तक वो सेफ रहेगा, क्योंकि एक बार बंदों को पता लग गया तो वही बेकार हो जाएगी जगह। हेलो आंटी हो कैसी हो, लग रही है सिलाई में लगी रहो। हेलो लेस्टर मेरे लाल, जल्दी से फटाफट से कुछ बोल यार, किसने किया था सुबह सुबह अटैक के जोनेस का काम है या फिर किसी और बंदे का? क्या वो फ्रेडी वापस आ गया? क्या तेरे को एंजल के बारे में कुछ पता लगा कहाँ पर है वो? सब कुछ मेरे को पता। मुझे बोल रहा है कि ट्रेवर एंजल अभी तक मिली नहीं है। मैंने बोला चल कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको ढूंढ लेंगे। वैसे मुझे लगता है वो लड़की ठीक है, वो स्टार्टिंग में मतलब हमने उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली है। वो डार्किंग के पास से नहीं आई है, वो खुद ही आई थी हमारी हेल्प करने के लिए, शायद उसको पता लगा हो इस चीज़ के बारे में। बट देखो उसका तरीका गलत था, उसने आती मेरे ऊपर अटैक करा सारे काम करे, इसलिए मैंने उसको ट्रस्ट नहीं करा। अगर वो आती प्यार से बता दी तो मैं सब कुछ मान जाता। बोलते कि ट्रेवर में चेक करना चाह रही थी तुम कितने बहादुर हो, मतलब आरपीजी मार के पावर को चेक करेगी, कुछ और चीज़ ही कर लेती, पूछताछ कर लेती। कुछ नहीं छोड़िए उसको देख लेंगे इग्नोर, मैं उसको ज़्यादा सीरियस ले भी नहीं रहा, सिंपल लड़की है कुछ नहीं कर पाएगी ड्राइवर का वो अलग बात है। बट वैसे ड्राइवर का नेता तो बन गया है, रही बस फ्रेडी के बंदे नहीं है कन्फर्म हो चुका है, जोनेज के बंदे। और जोनेज को ये भी पता लग गया कि आखिर ड्राइवर असली कौन है नकली कौन है, अब वो मेरे ऊपर कम ध्यान देगा एंड ज़्यादा ध्यान शायद से इसको मारने पर दे सकता है फिर किसी और के ऊपर भी। अब पक्का नहीं बोलेंगे जोनेज कब क्या करेगा, बट जोनेज आज ट्रेवर को जान से मारने की कोशिश करेगा आज की डेट में। मेरे को जल्दी से इसको बचाना है एंड सिक्योर ढूंढना है एंड उसके अलावा और बहुत ज़रूरी काम करने हैं। और आज इस एपिसोड में आपको पूरी की पूरी कुंडली बताऊंगा जोनेज की, जोनेज को आने तो उसको पकड़ता हूं मैं एंड उसके बाद में आपको बताता हूं जोनेज है कौन, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी डेटा मैंने पता कर लिया, जोनेज की सारा डेटा निकाल लिया। पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, यहाँ पर भी जोनेज के बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं। तो लेस्टर ने बोला मेरे प्यारे ट्रेवर तो एक काम कर जा, तो फिलहाल देखो इसको हम ट्रेवर ही बोलने वाले हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, नकली ट्रेवर बोलेंगे बार बार, ट्रेवर ही बोलेंगे इसको, दिखने में ट्रेवर की तरह ही है, आराम से सब कुछ सिंपल रहेगा, बाकी ये असली नहीं है मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। हेलो जी कैसे खड़े हो, आया मजा, सो सॉरी। देखो थोड़ा पीछे जाता हूँ क्योंकि ये ट्रेवर इतना पावरफुल भी नहीं है, गोली ज़्यादा असर करेगी तो दिक्कत होगी। ये पूरा बहुत ज़्यादा इसका पार्ट्स जो है पूरा रोबोटिक है आधे से ज़्यादा, उसके अलावा बाकी कुछ चीज़ में इंसान टाइप की है, एक रोबोट है। अब जाकर के ठीक हुई है, कमाल करती है मेरी गर्मी। हेलो मेरे प्यारे भाइयों आ जाओ जा फटाफट से, तो फिलहाल चलिए इनको ख़त्म करते हैं एंड देखते हैं सारी चीज़ें। वैसे ट्रेवर का रोबोट इतना कमज़ोर भी नहीं है, सब कुछ देख लेगा, हमारा क्लोन ऐसी थोड़ी, ट्रेवर थोड़ी मेहनत करके बनवाता है। इसको मैं ज़्यादातर तभी भेजता हूँ जब मेरे को किसी बंदे को खतरा हो, मतलब कि मेरे को शक होता है कोई बंदा मेरे को बेवकूफ़ तो ना बना दे सारी चीज़ें वगैरह वगैरह, तो इसलिए मैं इसको पहले भेज देता हूँ। अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो सारा काम कर लेता है, अगर ये फंस जाता है तो मैं आ जाता हूँ गेम पर स्विच करके तुरंत से एकदम, ये बहुत काम आता है मेरे बंदा। चलिए ट्रेवर जी आगे निकलिए, बहुत बढ़िया मगर ठीक है, सारे सारे बंदे दी एंड हो चुके हैं। अब देखते हैं भाई और क्या करना है यहाँ पर, क्या इनके फोन से डेटा मिल सकता है, क्या जोनेज का प्लान है, कब कहाँ से वो अटैक करेगा, सारी चीज़ें पता करते हैं। यहाँ पर कोई खास डेटा मिला नहीं है, अगर जो मिल भी जाएगा लेस्टर उसको देख लेगा। मैं तुरंत निकलता हूँ ट्रेवर घर पर, ट्रेवर घर पर बहुत सारे बंदे पहुँच गए प्लेन से अटैक करने के लिए। अमेजिंग लेवल के बंदे हैं यार, ये जोनेज पागल हो गए, इतनी स्पीड से अटैक करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं मैं उसको देख लूँगा। मुझे लगता है आर्मी को बुलाने का टाइम आ चुका है, फ़ोन करते हैं जल्दी से जगह पर कि जहाँ जहाँ पर भी ये जोनेज के बंदे दिखाई दे रहे हैं डगन इनको दी एंड कर दे, क्योंकि मैंने अभी तक आर्मी को ऑर्डर्स नहीं दिए, मैं अभी तक खुद ही देख रहा था क्योंकि अभी तक मेरे को कन्फर्म हुआ नहीं था, बड़ा कन्फर्म हो चुका है जोनेज लग गया लाइन पर पिटाई खाने के लिए। मैं जगह पर पहुँच चुका हूँ, फाइट से तगड़ी चल रही है, ट्रेवर ज़रा घर के अंदर निकल ले एंड थोड़ा सेफ में आ जा, क्योंकि मैं कवर में रहूँगा तो ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पर उल्टे सीधे काम चल रहे हैं। बट अच्छी बात क्या है, मैंने अपनी आर्मी को बुला लिया, जैसे कि आप देख रहे हो मैप पर ग्रीन वाले बंदे मेरे हैं एंड अपने रेड वाले बंदे जोनेज के होंगे शायद से, बाकी हो तो मैं देख लूँगा क्योंकि मेरे दुश्मन आज के डेट में इतने सारे हैं, कंफर्म नहीं होता कब कौन सा अटैक बंदा कर जाए। वैसे जोनेज ही होगा क्योंकि अभी तो फिलहाल वही लड़ रहा है हमसे, बाकी मैं देख लूँगा। देखो मैं कवर में इसको इसलिए लेकर के आ गया क्योंकि अगर किसी से मतलब कि किसी बंदे ने ऊपर से आरपीजी मार दिया, गोला मार दिया ऐसे करके, तो ये बंदा काफ़ी वीक हो जाएगा और ये मर भी सकता है, काफ़ी चांसेस है क्योंकि रियल ट्रेवर नहीं है, उसके जैसा क्लोन है एक बंदा, सिर्फ रोबोटिक टाइप का बंदा है, एडवेंटिव नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए काफ़ी काम खराब हो जाएगा। इसलिए जितने प्यार से काम कर सकते हैं उतने प्यार से ही काम करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एंड इसका ये हाथ रोबोटिक हाथ नहीं है, ये दिखावट के लिए करके रखा है क्योंकि कॉपी बनाई है ना ड्राइवर की और कॉपी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, नहीं तो शक हो जाएगा ये इसका रियल हाथ ये, इसमें हमने सिर्फ पेंटिंग करके रखी है ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि नहीं तो बंदे पहचान लेंगे ये नकली ड्राइवर हाथ को देख करके। मेरी आर्मी ने भाई नेता बना के रखा है जैसे मैं देख पा रहा हूँ, रेड वाले बंदों को तो छोड़ा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। चलिए ट्रेवर ब्रो यार काश बाहर निकल के मैं भी देख पाता, लड़ाई बहुत अच्छी चल रही है, वैसे मेरी गैंग देख रही होगी मतलब कि मेरी आर्मी ने सब कुछ संभाल लिया जैसे आप मैप पर देख रहे हो। वैसे अपने रेड रोड भी है ऐसी बात नहीं है, बट ग्रीन ज़्यादा है और जल्दी सब कुछ खत्म कर देगा। ड्राइवर एक काम घर के इधर निकल,
लड़के पीछे वाली गली में ज़्यादा तगड़ी लड़ाई बज रही है। जल्दी आगे निकल, आगे निकल, आगे निकल। जो ने इसको तो देख ही लेंगे एक बार, बस पता लग जाए क्या चल क्या रहा है। ओके तो फिलहाल भाई यहाँ पर दुश्मन के ज़्यादा बंदे हैं, इसलिए खिड़की से सारी सारी लड़ाई देख लेते हैं, बेस्ट रहेगा। चलिए ड्राइवर जी देखने की ज़रा कोशिश कीजिए, बहुत बंदे हैं। पता नहीं भाई लड़ाई कब तक शांत होने वाली है, क्या हिसाब चलेगा, कब तक चलेगी थोड़ा देखो। मैं होल्ड रखता हूँ यहाँ पर, बाहर नहीं जाऊँगा, रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर ये भी घायल हो गया तो फिर किसी और बंदे को अगर स्विच करना पड़ेगा एंड देखो फिर वो दिक्कत में आएगा। एंड आखिरी बंदा आपको देखिए लेस्टर बचेगा, एंड मैं चाहता नहीं लेस्टर के ऊपर स्विच करूँ। फ्रैंकलिन के ऊपर मैं करना नहीं चाहता, माइकल होश में है नहीं अभी तक, वो ठीक हुआ नहीं है, तो इसलिए कोई ट्रस्टेड बंदा नहीं है जिसके ऊपर खेल सके। ये सबसे बेस्ट बंदा है और मैं इसको खोना नहीं चाहता। फिलहाल गोला लगते ही इसका नेता बन जाएगा। हेलो जी जो ने जी सीधा घर पर ही भेज दिया आर्मी, थोड़ा तो सोच लेता। ये बंदा दिमाग घूम गया, इसका पागल हो गया है बंदा। तो ठीक है चलिए, ऊपर तो बहुत अच्छी बज गई रखी है, पता नहीं कब तक बजेगी भाई, वेट करते हैं। काफ़ी देर के बाद में वोर शांत हो गई, बड़ी अच्छी बात क्या है, हम लोग जीत गए, हमने सामने वाली पार्टी को एंड कर दिया। फिलहाल वैसे मेरे बंदे बहुत ज़्यादा मर गए इस वाली फाइट में, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग जीत गए हैं। बंदे मैं और लोग बुला लूँगा, मेरे पास बंदों की कोई कमी नहीं है, आर्मी दुनिया भर की है मेरी। अब आइए आगे भी आएगी हेल्प करने के लिए, कोई चिंता की बात नहीं है। आर्मी के लिए मतलब मैं टेंशन ही लेता, ड्राइवर कमज़ोर नहीं है, पैसा पावर एंड आर्मी इतनी ज़्यादा है ड्राइवर की, दुश्मन आते रहते तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बंदे खत्म कर देंगे। आज जोनेज का मरने का दिन है ना, तो मार देंगे इसके नमूने को, इतना समझाया था कुछ काम कर ले, कुछ मेरे काम आ जा, बट इसको बदला चाहिए तो आज इसको बदला हम देंगे। चलिए ड्राइवर जी फटाफट से निकलिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई जगह पर, क्योंकि मेरे को लेस्टर ने बोला है कि ड्राइवर अब तेरे पापा फ़ोन नहीं लग रहा, हम बड़ी मुसीबत में हैं। लेस्टर ने मेरे को बहुत बार बोला अपने पापा को फ़ोन करके ट्राई कर ले यार, उनको बुला ले, दो मिनट में सारा मैटर सोल्व हो जाएगा। मैंने बोला क्या उल्टे का बात कर रहा है, मतलब कि लेस्टर ड्राइवर की पावर कम हो जाएगी, तब सोचेंगे तो अपने पापा को बुलाते हैं लड़ने के लिए। बट वैसे भी इतनी छोटे बच्चे बंदे के लिए जोन एज के लिए ड्राइवर के पापा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आ जाएंगे तो सबको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनको पता लगेगा ड्राइवर घायल है तो फिर पता नहीं क्या से क्या होगा, वो तो पता लग ही जाएगा हम लोगों को अगले एपिसोड में। बट फिलहाल अभी तक के लिए देखते जैसा भी है, उनका फ़ोन तो लग ही नहीं रहा। लेस्टर के हिसाब से अभी मेरे को पेट्रोल पंप पर जाना है, वहाँ पर एक बंदा खड़ा है उसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करने के बाद में वो हमें लेकर के जाएगा कुछ बंदों के पास में जो शायद से साइंटिस्ट है, फिर मेरे को साइंटिस्ट को फॉलो करना है एंड फिर देखना बंदा जाएगा कहाँ पर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जोन एज कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब पता नहीं वो क्या किस चीज़ के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो मेरे लिए फ़ायदे वाला होंगे नुकसान होंगे, क्योंकि क्या पता वो ट्रेवर को ठीक करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा हो या मेरे को भी मारने का एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। क्या पता जोन एज का दिमाग ऐसा हो कि पहले दुश्मन को ठीक करूँगा फिर उसको मारूंगा। पेट्रोल पंप पर पहुँच चुका हूँ, बड़ी गंदी ड्राइविंग करता है बंदा, मेरे को भी इसने गीला कर दिया, बस क्या ही मैं बोलूँ। चलिए खैर जो भी है जैसे भी हो तो मैं देख लूँगा, चले तो इसको अभी तक मेरे को देखा नहीं है, ये बस ड्राइविंग बहुत बुरी कर रहा है जिसकी वजह से ड्राइवर के ऊपर थोड़ा सा पानी गिर गया। कोई टेंशन नहीं है क्योंकि रोड पे टक्कर मारेगा तो ऐसे तो काम होंगे ही ना। आगे बढ़ो ड्राइवर जी, कहाँ पर निकलेगा? ओके ये रहा बंदा, बहुत घटिया ड्राइविंग कर रहा है, लगता है ट्रक को धक्का दे रहा है क्या। अब ये गाड़ी घुमा के दूसरी तरफ से निकाल ले, ऐसे कैसे नमूने पाल के रखते हैं गैंग वाले बंदे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ सभी के बारे में। तो ठीक है चलिए, इसकी ड्राइविंग तो बहुत बुरी है वो मैंने देख ली, ये कुछ भी कर सकता है आगे जाने के लिए। फिलहाल इसको ट्रक से परेशानी है बहुत ज़्यादा, ये ट्रक भी आगे को जा नहीं रहा स्पीड से एंड ये भी इसको छोड़ेगा नहीं, बोल रहा है तेरे को तो बेटा मैं ही लेकर के जाऊंगा। तो ठीक है चलिए वेट कर लेते हैं, जहां भी जाएगा वहां पर एक साइंटिस्ट मिलेगा हमें इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, उसको फॉलो करेंगे। फिर जगह पर पहुंच गया हूं, जोन एज की तो बहुत सारी आर्मी यहां पर वेट कर रही है भाई, जंग तो तगड़ी होने वाली है और ट्रेवर आज के एपिसोड में ही घायल है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं है अपना नकली ट्रेवर सब कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रेवर जल्दी ठीक हो जाएगा, उसके पापा को आने दीजिए, वो सब कुछ कर लेंगे। रॉबर्ट फिलिप्स अमेजिंग लेवल है एंड सबसे पहले तोड़ेंगे वो कमर तभी माफिया वाले बंदों की। नेक्स्ट एपिसोड तो बड़ा फनी भी हो जाएगा क्योंकि माफिया भागेगी दुम दबागे एंड रॉबर्ट फिलिप्स उनकी दुम पकड़ के ही मारेंगे उनका, बहुत बुरा मजा आ जाएगा चीज देखने में। फाइनल राउंड करते हैं एंड चेक करते हैं कि आखिर हमारे साइंटिस्ट भैया कहाँ पर खड़े हुए हैं। ओके बढ़िया, वाइट मेरे को एक ही लग रहा था एंड आइडिया ठीक निकला, ये रहे साइंटिस्ट भैया, लगता है अपने आर्मी वाले बंदों से बात कर रहे हैं, देखते कब तक क्या बात चलेगी। मारने को मैं दो मिनट में यहाँ पे सभी बंदों को मार सकता हूँ, बट मेरे को यहाँ पर किसी को नहीं मारना क्योंकि सिर्फ इस टारगेट को फॉलो करना है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया जोन एज के लिए, अब उसके लिए करेगा उसके ही बॉडी के लिए अलग बात है, ड्राइवर के लिए करेगा वो अलग बात है, बाकी या फिर कुछ और करेगा वो भी देख लेंगे, बट एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमें बड़े नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि इस फ्रेडी नाम के बंदे ने ड्राइवर को ऐसा किया, ये भी एक प्लान है शायद से, जो भी है जैसा भी दिख जाएगा। यार साइंटिस्ट यहाँ से निकल पड़े हैं, अमेजिंग कार में यहाँ से जा रहे हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, इनके साथ गार्ड है जो इनको लेकर के जा रहा है। फिलहाल चलिए फॉलो करते, अब देखते ये बंदा कहाँ तक जाएगा, ड्राइविंग इसकी बहुत बुरी है, पीछे बेचारा रैबिट मार दिया इसने, क्या ही मैं इनको बोलूँ, क्या इनको दिखाई नहीं देता या फिर ये ड्राइविंग कैसे करते हैं,
रोड पर कुछ भी आ जाए दी एंड। अबे मेरे भाइयों, अगर सेम ये चीज़ तुम्हारे ऊपर अप्लाई की जाए, तुम्हें रोड पे सामने डाल दिया जाए एंड फिर उड़ा दिया जाए तो कैसे लगेगा? सामने जो है वो भी तो कोई जीती हुई चीज़ है। रैबिट को मार दिया बेचारे को रोड क्रॉस करते हुए को। इतने तो कमज़ोर आंखें तुम्हारी नहीं है कि तुम्हें रोड पे इतना बड़ा रैबिट ना दिखाई दे। शक तो मेरे को इस पे था ही, बट कोई बात नहीं, फिलहाल अभी पूरा भरोसा भी हो चुका है एंड सारा काम अब लेस्टर संभालेगा। साइंटिस्ट भैया गए ह्यूमन लैब में। देखो फिलहाल अभी हम लोगों ने अपना काम तो होल्ड पे करवा दिया, मेरे बंदे यहाँ पर कोई भी नहीं है। वही बंदे आपको याद होगा जिससे मैं आर्मी बनवा रहा था, इंसानी शरीर के कुछ पार्ट्स को मिक्स करना रोबोट के साथ में एंड एक अपनी अलग से आर्मी बनाना। बट देखो अभी ड्राइवर घायल है तो अभी हम लोगों ने उसको स्टॉप कर दिया फॉर्मूले को, अभी हम लोगों ने उसको रोक दिया, होल्ड पर रख दिया, क्योंकि देखो अभी तक कुछ प्रोग्रेस तो हमारी हो नहीं पा रही एंड तो इसलिए मैंने सोचा तो ड्राइवर ठीक नहीं होता, हम इसको रोक देंगे। तो यहाँ पर अभी कोई नहीं था, तो ये साइंटिस्ट यहाँ पर घुसा है, लगता है जोनेस ह्यूमन लैब में कुछ काम करवा रहा है। बट चिंता की बात नहीं, ह्यूमन लैब हमारे कंट्रोल में रहती है। लेस्टर को मैंने सब कुछ बोल दिया है, लेस्टर बोल रहा है ड्राइवर चिंता मत कर, अभी हैक करता हूँ और चेक करता हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है, कुछ अगर अपने खिलाफ हुआ तो मैं बताऊँगा या फिर कुछ आलतू फालतू काम हुआ तो वो मैं भी बताऊँगा। ठीक है चलिए जल्दी से मेरे को अभी एक जगह पर निकलना है, क्योंकि जोनेस ने एक जगह पर और बहुत सारे बंदे भेज दिए। आज की डेट में बंदा शांत नहीं बैठेगा, बस एक बार पता लग जाए खुद कहाँ पर है। पहुँच चुका हूँ जगह पर, सामने की तरफ एक फैक्ट्री है आपको पता ही होगी यहाँ पर, एंड उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी बंदे लिमोजिन से वेट कर रहे हैं फिर कुछ और कर रहे हैं, मेरे को पक्का नहीं पता, शायद से मालिक का ऑर्डर ही इंतजार कर रहे होगा ऑर्डर्स का कि कब जोन इस तरह हमें ऑर्डर्स देंगे एंड कब हम ट्रैवल को थी एंड कर देंगे। तो फिलहाल ये इसका सपना में सपना ही बना रहेगा एंड ये बंदे कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए ट्रैवल मेरे प्यारे प्यारे लाल, तो फटाफट से कौन सी गन, यार देखो मिनी गन बेस्ट लगती है मेरे को, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, मिनी गन से बंदे को मार के ख़त्म कर देंगे एंड उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ भाई हो कैसे, चल चल क्यों यहाँ पर रुक करके रखे हो? जोनेस भैया के ऑर्डर्स के लिए तो मतलब मैं इसी ना करूँगा लगन में भाई, चारों तरफ जोनेस के जितने बंदे शहर में उनको जी एंड करने में लगा हुआ है, सिर्फ यही नहीं बहुत अलग जगह पर और भी बंदे बहुत सारे हम लोग मारने पर लगे हुए हैं। जल्दी सारी सारी आर्मी को हम खत्म कर देंगे, जोनेस जितनी अपनी आर्मी साथ में लेकर के आया है, जल्दी मैं सभी को दिया निकल दूँगा इधर ले वे। ओके ये बंदा ख़त्म, सारे बंदे मर गए, नहीं कुछ बंदे जिंदा हैं एंड ये कवर लेने की आदत बहुत कमाल की होती है आप लोगों की, मरोगे नमूना मरोगे। बारह जा। ओके ये बंदा ख़त्म, दिया ख़त्म। ओके और कोई है नहीं भाई, बढ़िया तो ठीक है। चलिए अभी हम लोगों ने इसका भी दिया कर दिया, अभी फाइनली चेक करते हैं कि आखिर क्यों थे, क्या फ़ोन में कुछ डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे फ़ोन करके बोलता है कि तुझमें कितना भी दम है ना तो तू लगा ले, बट ड्राइवर को मैं आज जान से मार करके रहूँगा, तूने कहीं भी उसको छुपा के रखा हो मैं ढूंढ निकालूंगा। ये बात मेरे को जोनेस ने बोली एंड फ़ोन रख दिया। मेरा शक था कन्फर्म हो चुका है, उसको सच में पता है मैं नकली हूँ एंड ड्राइवर असली और मैंने उसको छुपा के रखा है, तो फिलहाल वो मुझे ही मारेगा बट बाद में, पहला शिकार करेगा ड्राइवर का, इसलिए तो खुले में अटैक मेरे ऊपर नहीं कर रहा एक बार भी, अभी तक मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ। ड्राइवर को ढूंढने की तैयारी चल रही है हर जगह पर एंड जो साइंटिस्ट का कुछ एक्सपेरिमेंट उसने वो तो नहीं बताया, बट ये बंदे भी ड्राइवर को ढूंढने की तैयारी कर रहे थे, बाकी और बंदे भी सोच रहे थे घर पर ड्राइवर है नहीं है, हर जगह ढूंढा जा रहा है ड्राइवर को, नहीं मिलेगा इतनी जल्दी से नहीं मिलेगा, मैंने उसको बहुत सेफ रखा है। लेस्टर के पास निकलता हूँ, कुछ और प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर ड्राइवर उसको एक बार मिल गया तो अभी हमें कुछ और भी बैकअप रखना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइवर पकड़ा गया तो उसको बचाने का तरीका भी हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो जोन उसको ख़त्म कर देगा मिलते ही। जल्दी निकल, और ड्राइवर कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि इस वक्त वो अपने होश में नहीं है, मरने की हालत में। पहुंच चुका लेस्टर की फैक्ट्री पर, इसे मेरे को काफ़ी टाइम पहले इस प्लान के बारे में बोला था, अब देखते हैं इस प्लान को हम यूज़ में ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, फिर ये हमारा प्लान ऐसे वेस्ट पड़ रहेगा। आंटी हो, ओके आंटी जा चुकी है, रात का टाइम होकर रखा है। लेस्टर द बकरे मेरे प्यारे भाई, ज़रा फटाफट से प्लान बोल, तूने बोला था मैं तेरे को प्लान बताऊंगा उसके बाद ही हम सब कुछ कर पाएंगे। लेस्टर ने मुझे प्लान बी का सारा प्लान बता दिया है। देखो ये हमारा बैकअप प्लान है, मान लो 1% ट्रेवर हमारे पास नहीं रहा तो हमें बैकअप प्लान के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उससे ही सारा सर काम होने वाला है, नहीं तो फिर आपको पता ही दिक्कत होगी एंड बहुत ज़्यादा होगी। तो चलिए ट्रेवर मेरे प्यारे प्यारे लाल फटाफट से निकले, तो अभी मेरे को निकलना है कुछ बंदों के पास में, क्योंकि वही बंदे मेरे को उस जगह तक लेकर के जाएंगे। हम काफ़ी दिन से उस चीज़ के ऊपर नजर तो रखे थे पर हमें पता भी है लोकेशन जल्दी से कहाँ पर मिल जाएगी, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता हमें प्लान बी को बनाने में, बट काफ़ी टाइम से जब से हमने उसको करा था हमने उस पर नज़र रखी थी। अभी बताऊंगा किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए ट्रैवल जी जल्दी से जगह पर निकलिए, वीड फार्म पर फाइनली ट्रैवल पहुंच चुका है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ कुछ बंदों की बातें सुननी है। इन बंदों को पर बहुत दिन से नज़र रखी थी हमने ताकि हम लोग अपने मेन टारगेट से ना छुप सके, मतलब कि वो हमसे ना छुप सके, क्योंकि अगर इनके ऊपर से नज़र हट जाती एंड टारगेट कहीं और चला जाता तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। अभी ज़्यादा कुछ मेरे को करना नहीं है, अभी सिर्फ मेरे को यहाँ पर वेट करना है और वेट करने के बाद में 2 मिनट में बंदे मेरे पे यहाँ पर मेरी कार दे करके जगह रिमोट वाली, क्योंकि उसी कार से मैं इनकी बातें सुनने वाला हूँ। देखो वहाँ पे सामने कैमरा नहीं है तो इतने दूर से बातें नहीं सुन सकते एंड बंदे को भी मारना नहीं है, क्योंकि मार दिया तो काम खराब हो जाएगा, फिर हमें क्या पता लग पाएगा, पीट के पूछूंगा तो बताएंगे नहीं, चुपचाप इनकी बात सुननी पड़ेगी रिमोट की कार को यूज़ करके। मेरी कार में कैमरा भी होता है एंड माइक भी होता है,
आराम से पता लग जाएगा। गाड़ी आने दो फिर देखते हैं। मेरे प्यारे बंदे मेरे पास रिमोट वाली कार दे करके चले गए हैं। इसके अंदर आराम से हमने माइक वाइक सब फिट करके रखा हुआ है। ड्राइवर आराम से इनकी बातें सुन लेगा। दरअसल यहाँ पर कुछ बंदे खड़े भी हुए हैं तो चलिए इनकी बातें सुननी पड़ेगी। मेरी प्यारी प्यारी गाड़ी जरा पीछे से आ जा। और वैसे भी कार बहुत अच्छी है, साइलेंट मोड पर ही चलती है, कोई ज़्यादा साउंड नहीं करती। तो फिलहाल यार मेरे को लगता है मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा, तो मेरे को आराम से छुप करके कहीं और से ही जाना पड़ेगा। देखो अगर बंदों ने देख लिया तो गोली वोली भी चला सकते हैं गाड़ी के ऊपर, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, गाड़ी का साइज़ बड़ा ही छोटा है। तो ठीक है, चलिए इन बंदों की सभी की बातें सुनते हैं, देखते हैं बंदे यहाँ पे क्या झुंड बना करके बातें करने में लग रहे हैं। कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा। सुनते हैं एंड देखते हैं टारगेट कहाँ पे छुप के रखा है, क्योंकि यही बंदे हमें वहाँ तक पहुँचाएंगे। फाइनली बंदों की बातें बहुत देर से सुन ली है एंड काम की बात भी हमारे पास आ गई है। चलिए जल्दी से गाड़ी पुछवाते हैं वापस बंदों के पास में एंड ड्राइवर भैया निकलेगा अब जगह पर। बाइक मैंने ले ली है, कार मेरे बंदे लेकर के जा चुके हैं। अब निकलना है मेरे को फिलहाल इस वक्त एयरपोर्ट पर। जिस ड्राइवर का दूसरा वाला एयरपोर्ट है ना, वहीं पर निकलना है। वहीं पर एक कार्गो प्लेन रेडी खड़ा हुआ है। दरअसल मेरा कार्गो प्लेन नहीं है, वो हमारे कुछ दुश्मनों का है। दरअसल वहीं पर लैंड हुआ था कुछ टाइम पहले एंड वही मेरे को वहाँ तक लेकर के जाएगा। यही मैंने इन बंदों की बातें सुनी है। दरअसल चाहता था मैं वहाँ पर पैसे भी चले जाता, बट इस कार्गो प्लेन को यूज़ करके चले जाएंगे तो एग्जैक्ट वहीं पर पहुँच जाएंगे। नहीं तो इनके मुँह से मैंने बहुत सारी बातें सुन ली है कि वो कहाँ पर है जगह हर एक चीज़, बट मैं तो दुश्मनों के साथ ही निकल लूँगा। अपना प्लेन क्यों यूज़ करे एंड क्यों दिमाग खराब करे कि यहाँ पर जाना है, कभी मैं गलत पहुँच गया। पहुँच चुका हूँ जगह पर। यहीं पर फिलहाल हमारे प्यारे कुछ बंदे हैं। दरअसल ये बंदे ने सोचा कि यहाँ पर कोई है नहीं तो प्लेन लैंड करा के सामान लोड करके निकल लेते हैं। तो यहाँ से सामान जा रहा है उस जगह पर, जाता होगा भाई खाने पीने का, वेपन का। देखो तीन बंदे तो यहाँ पर है नमूनों के सरदार। ओके बहुत बढ़िया, बीड़ी मार रहे थे, उनके ऊपर ध्यान नहीं, मतलब कि ध्यान नहीं दे रहे बंदे मेरे ऊपर। चलिए इनको बाद में देख लेंगे। एंड यहाँ पर हमारा प्यारा प्लेन भी खड़ा हुआ है। प्लेन में सामान जैसा आप देख रहे हो सामान लोड कर रखा है बंदों ने बहुत सारा। ये करते हैं बंदे, बंदों का लेवल ही अलग है। हेलो जी चाचा जी। ओके फिलहाल एक बंदा यहाँ पर है, ये पायलट होगा शायद से। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आसपास कुछ ज़्यादा बंदे नहीं है। मैं आराम से बस प्लेन के पास पहुँचता हूँ, उसमें चढ़ जाता हूँ एंड उसके बाद में अपना काम पूरा हो जाएगा। लाइट बंद कर, रात के टाइम लाइट जल्दी से दिख जाती है ड्राइवर। ओके ठीक है, तो प्लेन के पास पहुँच गए हैं, चढ़ने की तैयारी करते हैं। पहुँचते जगह पर कहाँ तक पहुँचाएगा, कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा सब पता लग जाएगा। मैं प्लेन में आराम से चढ़ गया था, बहुत देर के बाद फिर मैंने इंतज़ार किया, मतलब डब्बों के बीच छुप के यहाँ वहाँ पर। उसके बाद में फिर बंदे ने सीधा प्लेन को लिया एंड उड़ पड़ा। एंड अभी देख रहा है जा कहाँ पर रहा है। मैं लेसर को बोला कि मेरे ऊपर नज़र भी रखना, कभी मैं फंस जाऊँ तो ये बंदे हमारे से भी एक कदम आगे चल रहे हो, क्योंकि जोन एज है और जोन एज छोटे मोटे प्लान नहीं बनाता, बट फिर भी अगर उसने छोटे मोटे प्लान बनाए होंगे तो आज फंस गया नमूना, क्योंकि अगर उसने इस चीज़ का बैकअप नहीं रखा होगा तो आज तो जाने वाला है। चलिए देखते हैं। तो फिलहाल देखो इतना तो मेरे को पक्का बताया डेजर्ट में जाएगा, क्योंकि बात तो मैंने भी सुनी है लोकेशन की, बट एक्सेप्ट कहाँ पर जाएगा वो तो यही मेरे को बता देगा। पता तो हमें भी है, बट फिर भी ये ले जाए तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा, क्योंकि इनका तो रोज़ का वहाँ पर आना जाना है। सामान लाते हैं, वेपन भी लाते हैं, खाना पीना पहुँचाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई है जिसको बड़े दिनों से इन्होंने आराम से छुपा करके रखा हुआ है, वो मैं आपको भी बताऊँगा। हेलो मेरे प्यारे लाल, कैसे हो, क्या हाल चाल है। तो फिलहाल ये बंदे नहीं सुधरने वाले, इतना टाइम लगेगा। तो यार देखो टाइम तो लगने वाला है। ठीक है कवर में आ जाए ड्राइवर भाई, आराम से यहाँ पर रहिए। तो ठीक है वेट करते हैं, पहुँचते जगह पर। जगह पर पहुँच गया हूँ एंड सामने अपने टारगेट्स हैं बहुत सारे। फिलहाल जैसे वो पायलट यहाँ से निकला तो मैं भी फिर आराम से निकल गया प्लेन से। मैंने सोचा चलो पहले उसको ही निकल जाने दो, उसके बाद मारना तो सभी को ही है। अभी सभी एक साथ लाइन से पहुँच चुके सामने की तरफ एंड अपना प्यारा ड्राइवर अभी मचाएगा यहाँ पर थूम अमेजिंग लेवल। तो यहाँ पर फिलहाल बहुत दूरी पर हम लोग आए लॉस सैंटोस से एंड यहाँ पर है सारा काम। चलिए नमूना कैसे हो, क्या हाल चाल है। यहाँ पर बोल्ट के साथ सामने देख रहे हो, उसके अंदर घुसते हैं, बट सबसे पहले दो चार बंदों को रिहंड कर ही लेते हैं, उसके बाद करेंगे नीचे जा करके कुछ और बंदों को रिहंड। नीचे एक बंकर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वहीं पर हमारा टारगेट है। ये देखो मारना नहीं उस टारगेट को, तो हमारा प्लान बी है सबके लिए। मान लो जब ड्राइवर हमारे पास मतलब कि ना हुआ तो 1% अगर उसने उसको चुरा लिया मतलब कि एक तरह के किडनैप कर लिया मारने के लिए, क्योंकि जो बोले जी बहुत खतरनाक बंदा है, वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है। वैसे मैंने टाइट सिक्योरिटी लगवा के रखी है, बट फिर भी दुश्मन बड़े चालाक होते हैं, इसलिए हमेशा प्लान बी को तैयार रखो ताकि आप फंस जाओ तो बाहर निकल सको। एक प्लान के साथ कभी उल्टे काम मत करो, हमेशा दो प्लान होने चाहिए बचने के लिए। तो ठीक है मेरे को लगता है मैंने सारे बंदे, अरे यार कहते ही आ गया कवर ले लेता, भाग जाता, कुछ और कर लेता, बट नहीं ना उल्टे काम करने का शौक होता है बंदों को। लगता है फाइनली अब बंदे दी एंड हो गए, वॉल्ट पे निकलते नीचे पकड़ते टारगेट को। बंद कर पहुंच चुका हूँ, बंदे बहुत सारे हैं, मार रहे हैं, 2-4-5 मिनट तो जाने वाले हैं। ऊपर से गोलियां मेरी मिनी गन की दी एंड हो गई है, ले लेंगे। हेलो जी चाचा हो, कैसे हो, जरा बुला के लेकर के हमारे मेहमान को, उसके बाद ही सारा का सारा काम हो जाएगा। अरे जल्दी बुला के लेकर के आना यार, कहाँ पर है जल्दी बोलो। तो फिलहाल ये वाली गन भी बुरी नहीं है, बढ़िया चल रही है, इससे भी काम हो जाएगा। इधर ले जल्दी से आ जा। ओके बंदा ये कदम चाचा जी आप भी निकलिए, बहुत बढ़िया। हेलो जी, अरे रे अभी गोली चला देता,
आपने देखा कौन खड़ा है सामने? हमारी प्यारी प्यारी चमकती हुई आंटी। ये वही आंटी जिसको ड्राइवर ने बॉम्ब लगा करके उड़ा रहा था, मतलब उड़ा दिया था। मैंने पहले ही बोला था ना आपको कि एकदम से चीजों को मत सोचिएगा, ये प्लान भी तो हो सकता है ना। नहीं तो ड्राइवर ऐसे काम जैसे करता नहीं है कि किसी को बॉम्ब को मार दिया, किसी को ये कर दिया, वो कर दिया। दरअसल मैं अगर आपसे बोलूँ ड्राइवर, मतलब कि अपने जोरेज की बॉम्ब है नहीं, वो फ्रॉड है, तो कितनी कमाल की बात होगी। उसकी मॉम है ही नहीं भाई, उसकी कोई मॉम है ही नहीं दुनिया में। फिलहाल वो मर चुके हैं शायद से, पता नहीं फ्री में अपनी मॉम बना करके रखा है। इसको एक बात समझ नहीं आ रही, तो क्यों बहुत बड़ा प्लानर है जो ने जैसा लगता है ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब उसका बदला लेना यूज में, मतलब एमलेस हो गया वो बंदे एक तरीके से, कोई एम ही नहीं है उस बंदे का। तो फ्री में मेरे को मारने के लिए आ गया। अरे कोई बंदे का एम होता है कि मुझे उससे बदला लेना है, उसने मेरी मॉम को मारा है, पापा को मारा है, भाई को मारा है। उसकी जब मॉम मैंने मारी नहीं या उसकी मॉम है ही नहीं, तो भैया जी किस चीज का बदला ना जी बस। और इतने बंदे भेज के रखे मेरे को मारने के लिए आज सुबह से, इतने बार अटैक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड ये आंटी तो कोई है ही नहीं। आंटी जी हाई कमांड वाली आंटी, और एक आंख बंद करके मारोगी? मैं आंखों में गोली मार दूंगा, मेरे को देखो गुस्सा होते, आंख खोली, बढ़िया चलिए बढ़िया। आंटी जी सॉरी, क्या हो गया लेडीज हुई तो आप, पर देखिए दुश्मनी में सब चलता है, क्योंकि जंग है प्योर वाली। आप मेरे को नहीं छोड़ोगे तो मैं ही आपको क्यों छोड़ू, क्योंकि हम दोनों में से एक को तो जिंदा रहना जरूर है। लेकर के निकलते हैंगर में, अपना प्लान भी रेडी हो चुका है। देखो जोनेज नहीं जानता कि मैं सारी चीज़ जानता हूँ, वो तब भी एक्सचेंज कर लेगा, मुझे ही तो पता है ना कि नकली है, उसको तो नहीं पता कि मैं जानता हूँ। पता नहीं क्यों उसने इसको अपनी मोम बना के रखा हुआ है, वो मैं देख लूंगा। आंटी को फिलहाल लेकर के वहाँ गया सेम जगह पर गैरेज में। मैंने डरा भी दिया और समझा दिया कि अगर परेशानी करने की कोशिश करी तो आंटी जी मारना पड़ेगा, मजबूर मत करना बिल्कुल भी। तो फिलहाल ये असली है, उस दिन वो ड्रामा किया गया था मेरे साथ में। देखो ये तो पक्की बात है, इसकी मॉम है ही नहीं कोई भी, बट फिलहाल उसने उस दिन असली आंटी भी नहीं मरने दी, मेरे को चूना लगाया भाई। मैंने जिसको पकड़ा था वो नकली थी, एंड असली आंटी कहीं और पर थी जो कि ये रही, एंड जो ने की मॉम भी नहीं है ना वो ना ये, कोई और ही थी। उसकी मॉम जिंदा है नहीं है ये कन्फर्म नहीं है, बट ज़्यादा चांसेस है मर चुकी है। हेलो जी आंटी जी, दम मत लगाइए, रस्सी नहीं तोड़ पाओगी, समझ में आया ना। अभी आप यहीं पर रहिए, मेरा बैकअप हो आप, जब भी आपका बेटा नकली बेटा जोनेज फोन करेगा तब हम आपको यूज करेंगे। जोनेज को देखो इस बारे में पता लगा है नहीं पता लगा, अभी तक तो इस बारे में फोन आया नहीं है, बट जोनेज उल्टी हरकतों से नहीं मान रहा अभी भी। उसने ट्रेवर के घर पर आग लगा दी। पुराने विलन होते थे बॉलीवुड के, पहले ऐसा करते थे, घर को जला दिया करते थे, ये कर दिया, फैमिली मेंबर को उठा लिया, किडनैप कर दिया, ये फिरौती मांग ली, मतलब ये छोटे मोटे काम वो ही किया करते थे। ये लॉस एंजेलिस के विलन को क्या हो गया, ये बॉलीवुड वाले काम कर रहे भाई, मतलब मैंने उसे दुश्मनी ली तो मेरा घर जला दिया। सही है भाई सही है, लगता है बंदा 90s 80s की पिक्चर कुछ ज़्यादा देख कर क्या है। घोड़े पर आते थे डाकू, घर जला दिया, किडनैप करके ले गए घर वालों को, ये कर दिया वो कर दिया, ये तो पुराना स्टाइल है। चलिए ट्रेवर भी कौन सा नया है, ट्रेवर भी 56 साल का है, 57 का ही हो गया लगभग वैसे, बट फिर भी तो पुराना ही है, हम भी पुराने स्टाइल में मारेंगे। घर पर पहुँच चुका हूँ, अच्छी बात पता क्या है, घर पर कोई आर्मी मेरे ने नहीं लगा के रखी थी, ये सही किया मैंने। एंड भाई फिलहाल इस घर को जल्दी रिपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता। देखो रॉबर्ट फिलिप्स आएंगे, मुझे पता है वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे जैसे उनको पता लगेगा ट्रेवर के बारे में, बट मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि भाई अगर उनको पता लग गया ना वो सबको जड़ से मिटा देंगे, इसलिए मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा सारी सारी चीज़ें, बाकी देखते जो होगा वो तो पता लग जाएगा, बट मैं नहीं चाहता कि उनको पता लगे कि उनके पीछे ऐसा सारा का सारा काम हो गया। हम जल्दी ड्राइवर को भी ठीक कर लेंगे एंड सारा काम कर लेंगे, और इस घर को फिर से रिपेयर करवाना पड़ेगा एक ही दिन में, आज ही के रात तक सही करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर पापा कभी भी आ सकते हैं, वो कल आ सकते हैं, वो रात को आ सकते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, उनका अपना घर है और टाइम हो चुका है उनके आने का। फाइनली आग बहुत बुरी लगा करके रखी है, इसको तो मैं देख लूँगा नमूने को, जोनेज को। भाई मेरे घर पर आग लगा रहा है बॉलीवुड के बंदे, तेरे को देख लूँगा मैं। चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, फिलहाल बस ट्रेवर के पापा को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस माफिया को जड़ से मिटा दे रॉबर्ट फिलिप्स, क्योंकि उनको पता लग गया तो भाई फिर तो ढोल बजेगा माफिया का, और ढोल ऐसा बजेगा कि मजे आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि ट्रेवर अगर तेरे को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी करी ना बेटा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल वो इतने बिजी है आज की डेट में, मतलब कि वो एक तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, इसलिए वहाँ पर वो कहीं फ़ोन नहीं लेके जाते ना कुछ लेके जाते, ना उनकी आर्मी उनको बता सकती, क्योंकि ट्रेवर के ऊपर वो नज़र रखते हैं। तो फिलहाल देखो आर्मी ने हेल्प तो नहीं करी, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ही ऐसी है कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, ट्रेवर एक वायरस से है, बाकी जो भी हो मैं देख लूँगा, एक बार पता तो लग जाए रॉबर्ट मतलब कि ट्रेवर का पापा है कहाँ पर सारी चीज़ें, बट इतना कन्फर्म बोलूँगा उनको पता नहीं है ट्रेवर की हालत।
अगर पता होती तो वो ज़रूर आ जाते, बाकी देख लेंगे। फिलहाल घर की रही बात तो ठीक हो जाएगा। लेस्टर को फ़ोन करता हूँ। लेस्टर भाई यार घर को रिपेयर करवाना पड़ेगा आज रात तक ही। बंदे भेज, आग बुझाएंगे, तुरंत रिपेयर करेंगे, खर्चा जाए कितना ही हो। लेस्टर से बातें हो गई, लेस्टर मेरे को बोल रहा है ठीक है टेंशन बनते घर रिपेयर हो जाएगा, बट जल्दी जगह पर निकल, बंदे ढूंढ लिए जिन्होंने सारा काम किया। चलिए भाई फाइनली बंदों को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। मेरे घर पर आग लगा करके तुरंत भागेंगे, इतना बड़े हो गए। ड्राइवर मेरे लाल, नकली ड्राइवर, जरा पहुँच फटाफट से जगह पर, नेट बंद कर। जगह पर पहुँच चुका हूँ। मैंने ना गाड़ी मंगवा ली थी, बाइक से बंदों को मारने में बहुत टाइम लगता, तो मैंने बोला कि मेरे प्यारे भाई जरा मेरे पास गाड़ियाँ भेज दो, मतलब अपनी प्यारी जिमसन वाली कार भेज दे। लेस्टर यही काम अब करने वाली है। बंदे रुक गए, मेरे को देख के रुक गए, जिंदगी को ज़्यादा डर लग गया इनको, कुछ तो गड़बड़े थे यार। तो ज़रा चेक कर, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ज़रा चेक तो कर लो, हैक कर क्या रहे हैं, क्योंकि मारना मेरे को इन सभी को है। ओके लगता है गाड़ी में बंदे कुछ कर रहे होंगे, जो भी है ध्यान से, जो भी है बिल्ली बैठे भागो 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 भागो, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर सभी का बनेगा नेता, एंड वो भी कैसा अच्छे वाला एकदम। अब तो इनको सांस भी नहीं आने वाला, इतना मारेगा ड्राइवर, हट जावे नमूनों के सरदार, जल्दी जल्दी साइड हट जल्दी। ओके जितने बंदे हैं सबको इनको मारना पड़ेगा, इसको कैसे बदला, मेरे घर में आग लगाएंगे तो कैसे बच जाएंगे। दोस्त फ्रेंड को छोड़ करके जाने नहीं दिया जाएगा, जितना ही बड़ा हो तुम्हारा प्यारा दोस्त जो नेज बुला के लेकर के आओ उसको, हम भी देखें किस्में कितना है दम। ठीक है भाई फिलहाल मैंने लगता है सही बंदों को सुना दिया, एंड ड्राइवर के सामने पंगा लेने का दम किसी में नहीं है। अमेजिंग यार, इस बंदे की गाड़ी बुलेट प्रूफ भाई, इस बंदे की गाड़ी बुलेट प्रूफ है, बट तू तो नहीं है। ये ले बेटे कैसी लगी, आया मजा, चल चल निकल जल्दी चाचा जी। ये ले बेटे कैसी लगी, एक कोटी शॉट लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा भी लग गया, तीसरे में मर गया। चलिए फिलहाल बंदे मैंने खत्म कर दिए। ओके मेरे प्यारे चाहने वाले, मेरे अमेजिंग, मेरे भाई, मेरे सुख दुख बांटने वाले बंदे, आ रहा हूँ। अबे कहाँ निकल गया ये वेपन, कहाँ से लगे मेरी जेब थोड़ी वाली गाड़ी का, जल्दी। ओके आ गया, कहाँ जा रहे हो, ये लो बेटो, कहाँ भाग रहा है, इतना गुस्सा दिलाते हैं बंदे मेरे को। आपने अभी थोड़ा देखा ही होगा जब मैं प्यार से खड़ा था रोड पर, पूरा 150 की स्पीड पर आई और ऐसे टक्कर मारी मेरे को बिना वजह। ड्राइवर 1 किलोमीटर दूर जा गया था, खैर इतना दूर नहीं गया था, बट बहुत बुरा नेता बना था, चोट लग गई थी और भाग गए थे पतली गली से, ना सॉरी ना कुछ। तब से मैं इनसे गुस्सा बहुत ज़्यादा, बट ठीक है हम लोगों ने इस चीज़ का बदला तो ले लिया, अब देखना है कि आखिर और क्या करें। फिलहाल अभी तक तो कोई एक्शन और नहीं है जोनेज की तरफ से, बस मेरा घर चलाया है अभी तक, तो उसको पता लगा नहीं, पता लगा उसकी मोम के बारे में, नकली मोम के बारे में। मिस्टर दिमाग मुझसे मिलना चाहते हैं, चलिए पहुँच तो फटाफट से, पता नहीं आखिर क्या हो गया। हिंदी बड़ा अजीब लगता है सुनने, मिस्टर माइंड ठीक लगता है वैसे, बट फिर भी अगर मैं इसको ऐसे ही बोलूँ तो अजीब लगेगा बहुत ज़्यादा। चलिए फटाफट से ट्रेन में लास्ट फटाफट से पहुँचो, मेरे एयरपोर्ट पर यहीं पर आया बार बार आजकल, लॉस एंजेलिस के बड़े चक्कर लगा रहा है मिस्टर माइंड, पता नहीं क्यों। देखो मानता हूँ हेल्प तो इसने करी है, बट ये बिना मतलब के तो अपने घर वालों की हेल्प ना करे, इसने खुद मेरे को बात ही बोल के रखी है। ये बोलता है ट्रक ड्राइवर, मैं बिना मतलब के तो अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ना करूं, तो ये इसकी बात मेरे को याद है आज तक, बहुत टाइम पहले से मेरे को बात बोली थी। तो अभी ड्राइवर कौन से सगा है, ड्राइवर तो इसके लेने देने में कुछ लगता भी नहीं है, तो बिना वजह इसने ड्राइवर को वो ट्यूब दे दिया लैब वाला हाइबरनेट के लिए। इतना सिंपल बंदा तो नहीं है ना शरीफ। पहुँच चुका हूँ जगह पर, मिस्टर माइंड जी पहुँच गए। मिस्टर माइंड कैसे हो मेरे लाल, क्या हाल चाल है, अभी कुछ बना रहे हो अपने खतरनाक से माइंड के, मतलब कुछ यूज़ कर रहे हो माइंड को, आजकल खाली बैठे हो, जल्दी बोलिए मेरे को। मिस्टर माइंड आप कपड़े बड़े अजीब लगते हैं मेरे को, जैसे अभी डांस करके आए हो कहीं पे शो से, स्टेज डांस वाले बंदे जो होते हैं उस टाइप के कपड़े पहन लेते हैं बहुत बार। हाँ जी बोलिए, मैंने इससे बातें कर ली है। मिस्टर माइंड ने कुछ अजीब बात मेरे को बोली, ये मुझे बोल रहा है कि फिलहाल तुम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है, मतलब कि ड्राइवर से। देखो ड्राइवर जब तक ठीक था, ये मुझे बोल रहा है कि ड्राइवर ने एक बहुत खतरनाक काम कर दिया। ड्राइवर वो ये कि उसने अपने पापा के बॉक्स को ओपन किया, उसको ही नहीं करना चाहिए था, वो आ गया है एंड वो जाग गया है, अब तुम देखना क्या होगा। पता नहीं किसकी बात कर रहा है, बोल रहा है कि ट्रेवर एक बहुत खतरनाक विलन है, ये नाम वाम नहीं जानता, बट ये जानता है कि उसको बॉक्स से ही बंद करके रखा गया था, एंड उस बॉक्स को ओपन करते ही वो आज़ाद हो जाएगा, यही एक डिमांड थी एंड ये एक चीज़ थी, क्योंकि रॉबर्ट फिलिप्स ने ही ये सारा काम किया था, एंड रॉबर्ट फिलिप्स ने ही उसको संभाल के रखा था बॉक्स को, तो उनको पता होना चाहिए कि वो बॉक्स मेरे पास था। उनको पता नहीं था क्या, पता नहीं भाई, पक्का नहीं बोलूँगा मैं, बट मैंने खोला। अब जो भी है जैसा भी है, एक काम करते यार, ये बहुत कन्फ्यूज़न बढ़ गई है, बहुत दिन हो गए हमें अभी तक, जब तक जोन इसके बारे में कुछ पता नहीं लगता, तो तब तक पहुँच जाते हैं हम लोग जगह पर, जैसे कि बोर्ड ऑफ फ्यूचर वाले बंदे के पास निकलते हैं, वही बंदा ब्लैक टेबल नाम का जो फ्यूचर बताता है, एंड वो सच्ची में फ्यूचर बताता है यार, पता नहीं कैसे। अब उससे जाकर के पता करते हैं टायर का फ्यूचर, क्या टायर बच पाएगा नहीं बच पाएगा, और ये क्या कौन सा विलन है, क्या हिसाब है,
देखते थे क्या बंदा बोलेगा, कुछ तो बोलेगा ही भाई, निकलते हैं। पहुंच चुका हूं मैं जगह पर, यही है जगह गॉड ऑफ फ्यूचर की। अंदर निकलते हैं फटाफट से इस बंदे के टेंपल में, ये इसे अपने आप को टेंपल ही बोलता है बंदा इसकी, एंड यहीं पर रहता है हमेशा। तो अब तो मुझे भी लगता है कि सच्ची में कोई रियल इंसान नहीं है ये, कि स्टैचू ये एंड जिसमें से आवाज़ आती है, एंड यही सही बंदों का फ्यूचर बताता है। बट देखो हमने इसको पहले से एक चीज़ दे करके रखे थे, हमारी बात बता देगा हमें, नहीं तो अगर जो कोई नया बंदा इसके पास जाता है, आपको पता है इसके क्या रूल्स है, इसको दुनिया की कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ती है जिसके बदले में आपको आपका फ्यूचर बताएगा, फिर वो चीज़ बताएगा जो आप पूछना चाहते हो। बट सबसे पहले कोई भी कीमती चीज़ को देनी पड़ेगी, वो मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ, इसको डायमंड दे चुका हूँ, इसको और बहुत सारी चीज़ें मैं दे चुका हूँ पहले ही, इसलिए ट्रेवर का फ्यूचर ये कितनी बार बता सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मेरे प्यार लाल निकलिए फटाफट से, जल्दी पहुँचो। पहुँच चुका हूँ मैं अंदर की तरफ। आज तक यार देखो मेरे को इसके इस बेस का, इस टेम्पल का ये चीज़ पता नहीं लग पाई कभी भी। सामने वो एग देख रहे हो, आखिर है क्या चीज़, ये कोई चीज़ है जो पावरफुल है। और ये पानी भाई सिंपल पानी नहीं होगा, क्योंकि ये अलग ही लेवल की टेम्पल है बंदे की, एंड ये अलग ही लेवल का फिर पानी होगा, गलती से गिरना मत ट्रायर बेटे, कहीं पता लगे एसिड डाल के रखा ना उन्होंने, क्योंकि ऐसा काम बहुत बार हो जाता है। आगे बढ़ो ट्रायर जी, देख रहे हो इस एग का कुछ अलग ही लेवल है यार, मैं पास आता हूँ तो ये बदल जाता है, दूर रहते तो दिखने में गोल्डन लगता है, जितना पास आते जा रहा हूँ ये पूरा ब्लैक होते जा रहा है, अमेजिंग लेवल। अबे ट्रायर ये है क्या चीज़, और अब आया तो भाई बिल्कुल ही अलग हो गया, बढ़िया है भाई। हेलो जी कैसे हो आप, एक तो इतना बड़ा इसका स्टैचू है, क्योंकि आपसे मैं फिर से एक बात करने आया हूँ ट्रेवर के बारे में, क्या ट्रेवर ठीक हो जाएगा, वो इस वक्त मरने के हाल पर है, आप प्लीज़ उसका फ्यूचर बता दीजिए, मेरे को ट्रेवर तो नहीं आ सकता, बट क्या आप बताओगे सारी बातें। वेलकम बैक, ट्रेवर का फ्यूचर जानना चाहते हो, देखो तुम्हें फिर एक बार मैं बता दूं, अगली बार फिर से मेरे को परेशान करने मत आना, दुनिया में कभी भी कोई चीज बदली नहीं जा सकती, जो तय है वो होकर रहेगा, ड्राइवर को कोई ताकत बचा नहीं सकती, चाहे कितना ही तुम दम लगा लेना वो मरेगा, एंड मरेगा ऐसे उसको दुख होगा मरते हुए, कोई अपना ही उसको ऐसा मारेगा उसका दिल टूट टूट के टूट जाएगा, और वो आराम से फिर खुद ही अपनी मौत मर जाएगा। सही सुना तुमने, ड्राइवर ही अपनी जान लेगा अपने हाथों से, क्योंकि उसका जिंदगी से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि जैसे चीज उसके साथ होगी कोई उसको नहीं बचा सकता, एंड तुम भी तो उस चीज में शामिल हो। क्या ट्रेवर जानता है तुम हो कौन, क्या लेस्टर ये जानता है तुम हो कौन, मुझसे कोई चीज छुप नहीं सकती समझा, मैं ब्लैक डेविल हूं, तूने क्या सोचा तू आकर के मुझे धोखा देगा और मैं पहचान नहीं पाऊंगा, ट्रेवर को जब तेरे बारे में पता लगेगा वो तेरे को खुद ही खत्म कर देगा, समझ में आया तेरे को, जितना तो चालाक बनता है उतना है नहीं, रात दिन तक तेरा ड्रामा चलेगा नहीं, अब यहाँ से तू जा, नहीं तो बहुत बुरा कर दूंगा तेरे साथ में, क्योंकि मैं धोखा देने वाले बंदों का साथ कभी नहीं देता। फिलहाल मैंने इसकी बहुत बातें सुन ली, स्टार्टिंग की सारी बात इग्नोर मारो, लास्ट की बात करते हैं। अबे क्या करके रखा है तूने, इसने मुझे बोला, और ये गॉड ऑफ फ्यूचर झूठ नहीं बोलता, ये किसी के लिए काम नहीं करता, ये अपना नॉर्मल बंदा है, कोई आता है हेल्प करने के लिए, मतलब कि इसको बोलना होता है, ये कुछ बताता है तो बता देता है, इसका मन करता है तो। इसने लास्ट से बोला ये बंदा गद्दार है, मैं इसके ऊपर स्विच करके खेलने के अलावा और कुछ काम नहीं है मेरे ऊपर, किसी और से खेल लूँ, नहीं बट भाई किसी और से खेलूंगा तो फिर पता नहीं लग पाएगा ये बंदा है कौन, क्या इसके राज है, ये ड्राइवर का अपना बंदा है, कॉपी है वो तो मेरे को पता है, इसने कुछ करके रखा है क्या, वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। देखो इसके दिमाग के अंदर हम घुस नहीं सकते, बट हाँ इसको कंट्रोल कर सकते हैं स्विच करके, जो हमारे जानने वाले बंदे होते हैं उनके ऊपर हम स्विच कर लेते हैं, सिचुएशन के हिसाब से सारे काम होते हैं, अभी तो कर पा रहे, क्या पता आगे ना कर पाए, यही मैंने आपको बोल के रखा हुआ है, बहुत बार स्विच हो जाता है बहुत बार नहीं होता, तो पॉइंट यही अभी तो हो रहा है ना, तो अभी इसके ऊपर खेल के चेक कर लेते हैं बंदा कौन है, क्या हिसाब है, कल की क्या देखी जाए, कुछ तो गड़बड़ करके रखा है इस बंदे ने, नमूनों के सरदार पता करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कौन है यार ये बंदा, कुछ तो गड़बड़ चल रही है इसके साथ में, कुछ किया है इसने ट्रेवर के साथ बस ये पता है, एंड ये भी ट्रेवर को मारने में साथ देगा, अभी तो देखो ट्रेवर के साथ है, फ्यूचर का बताया उसने मेरे को ये, या फिर पास्ट का, लेस्टर को कैसे बोलूं, क्योंकि ये बंदे के साथ तो मैं बोल नहीं सकता, कुछ और तरीके से काम लेना पड़ेगा, चलिए जो भी है जैसा भी है, कभी ना कभी तो ये अपना रूप दिखाएगा, उसके बाद तभी सारी चीज़ पता लग जाएगी, फिर इसके ऊपर स्विच हट जाएगा, जब इसके ऊपर स्विच हटेगा तभी सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर ही खेलने से फ़ायदा है, क्योंकि 1% मैंने अगर इसके ऊपर स्विच हटा लिया, मैं लेस्टर के पास पहुँच गया तो फिर इसके बारे में नहीं जान पाए कुछ भी, और ये क्या मतलब कब कहाँ जाएगा क्या करेगा, बाहर भागना पड़ेगा फटाफट से, नमूनों का सरदार जोनेज ढूंढ निकाला,
मेरे को पता था वो जरूर ढूंढ निकाला, क्योंकि लॉस एंजेलिस में ड्राइवर को रखना सेफ नहीं है। लॉस एंजेलिस तो किसी भी कोने तक वो पहुंच सकता है, उसको बाहर शिफ्ट करते तो अलग बात थी, पर लॉस एंजेलिस में दुनिया किसी भी कोने में, किसी बंकर में, किसी बेस में उसको रख लेता और पहुंच जाता है। एंड फाइनली पहुंच चुका है, मौका बहुत अच्छा चुना नमूने ने। जब मैं भारी हूँ अब मैं कुछ हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा, जल्दी पैर मेरे प्यारे लाल जल्दी निकल फटाफट से। देखो जब तक ये बंदा वफादार है, जब तक इससे काम ले लेते हैं और जब तक इसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाएंगे, जब तक तो अभी कुछ कर नहीं सकते। क्या बता गॉड ऑफ वॉर मतलब कि गॉड ऑफ फ्यूचर कुछ और बोल रहा हो, हम हमारे समझने में गलत फहमी हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए एकदम से फैसले पर नहीं पहुँचते, क्योंकि ड्राइवर का बंदा है, इसको मैंने हमेशा से यूज़ किया है, ये वही फेक कॉपी है ड्राइवर की, जिसको मैं हर हमेशा भेजता हूँ जगहों पर। आपने इसको बहुत बार देख के रखा भी है। लॉस सैंटोस पहुँच चुका हूँ और सबसे पहले आते ही मैं सीधा पहुँच गया जोनेज के पास में, क्योंकि इसने मेरे को एड्रेस दिया था, इसने मेरे को एड्रेस दिया था कि कहाँ पर ये नमूनों का सरदार है एंड कहाँ पर जा रहा है। जल्दी से देख सकते भाई, ये वाला वेपन मैं यूज़ नहीं कर सकता, मैंने भूल में इस वाले वेपन को यूज़ कर लिया। एंड आराम से ड्राइवर को फटाफट से मारो, क्योंकि ड्राइवर भी ट्रक में ही है, इसलिए मैं ट्रक को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जल्दी ओके जोनेज ब्रो, मैं तेरे को नेता बना दूंगा फटाफट से। ये हेलीकॉप्टर किस लिए यहाँ पे लगा करके रखा है? अबे नमूने सच बता रहा हूँ, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, जल्दी मेरे को बता दे। ओके ब्लड ड्राइवर, अबे तूने ट्यूब में से क्यों निकाला इसको? दिमाग खराब है तेरा, कॉफिन में डाल के रखा है भाई। देखो ट्रक में कॉफिन है फिर ड्राइवर, इसमें जोनेज बिटवा प्लीज, सर पे गोली नहीं मारना चाहता, क्योंकि अभी तेरे से बहुत सारे काम लेने हैं मेरे को। मैं नहीं चाहता उल्टे सीधे काम करें, चुपचाप रोक दे ट्रक को, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। जोन भाई, और जोन भाई ये नहीं मानेगा, एक काम करते हैं ड्राइवर बेटे, तू तो गया ड्राइवर बेटे, क्योंकि एक को तो मारना ही पड़ेगा। ये कहते हैं ना हमारे प्यारे भाई जोनेज जी नहीं चाहते कि उसका ड्राइवर बचे। एक तो जेम्स होने वाली गाड़ी का क्या ही बोले, इतने सस्ते नशे इस गाड़ी के, इतने ज़्यादा सस्ते नशे हैं, मतलब कि इस गाड़ी ने टक्कर मार दी, ट्रक भी उल्टा सीधा कर दिया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ड्राइवर लाल जी जोनेज को तो नहीं मार पा रहे, बट आपको तो मार ही सकते हैं ना। बस पे रुक जा ड्राइवर, बस शांति। चल भाई जोनी महाराजा, नहीं तो अब मैं दौड़ में सीधा कर दूंगा। चलिए पहुँचते हैं इसके पास में। बताओ यार इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने कैसे बाहर निकाला? देखो मैं जो इसको मारूंगा नहीं, कुछ और तरीके से इसको बस घायल करना है मेरे को, आराम से सारा काम। भाई सब हद मचा के रखते हैं बंदे, क्या ड्रामा है यार, किसने खींचा वो हेलीकॉप्टर जो खड़ा था? जल्दी आगे बढ़ 2 मिनट में पहुँच ड्राइवर लाल, क्योंकि मैंने देखा था वो हेलीकॉप्टर इसका इधर बैकअप था। बहुत चालाक निकला बंदा, मेरे को जानबूझ के दिखाया कि देख मैं ड्राइवर को लेकर के भाग रहा हूँ कॉफिन में, दमे तो रोक ले। देखो जोनेज को अभी नहीं मार सकते यार, उससे पहले बहुत सारी राज पूछ रहे हैं उसके बारे में, अगर उसको ऐसे ही मार दे तो उसकी हिस्ट्री कैसे बताऊंगा मैं आपको, एंड बहुत सारे काम करने हैं। जल्दी ड्राइवर निकल, बस ड्राइवर को बचाना था मेरे को आराम से। एंड मैंने आपको बोल दिया जेम्स वाली गाड़ी से मैंने क्यों अटैक नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल वो मर जाता, ड्राइवर भी था ना गाड़ी में ट्रक में मतलब, और दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। नहीं यार हेलीकॉप्टर यहीं पर था एंड वो गायब, सारे बंदे ही भाग गए, मेरे को पता ही था वही खींच के ले गया गाड़ी को मतलब ट्रक को। चालाकी दिखा रहे हैं बंदे, चालाकी दिखा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कब तक दिखाएंगे? ड्राइवर कोई कमज़ोर इंसान नहीं है, अगर अपनी पर आ गया तो बहुत बुरा कर देगा। लेस्टर का बोलता, लेस्टर ब्रो देखो मैंने सही बोला था ना आपको, लेन बी हमने बिल्कुल ठीक आइडिया लगाया, क्योंकि हमें पता है कौन बंदा कौन कहाँ तक गिर सकता है टूट सकता है, वो हमारे ऊपर ही है। भाई लगता है RPG वाले बंदे भागे नहीं है यार, हमें जोनेज के पहले से पता है वो बंदा कितना गिर सकता है, इसलिए मतलब कि हमें पता है हमें क्या करना है उसको पकड़ने के लिए रोकने के लिए, इसलिए हम लोगों ने उस आंटी को उठाया। चलिए जल्दी आगे निकल भाई, RPG वाले बंदे हैं अभी भी हैं, आवाज़ तो आई थी। चलिए इनको तोड़ता हूँ एंड उसके बाद निकलता हूँ, मुझे लगता है मिसाइल डलवा दूँ। नहीं यार मिसाइल ठीक नहीं है, ये थोड़ा लोकल एरिया है, जंगल के बीच होते तो मैं डलवा देता। आगे बढ़ ड्राइवर, ओके ये रहे, अबे नमूनो ठीक है ड्राइवर, ठीक है ड्राइवर, आ जा, बड़े हो गए, कमाल हो गए, ये ले बेटे, खत्म, जल्दी निकलो। ओके फिलहाल देखो 2-4-5 मिनट लगने वाली है, बट मेरे को इन सही बंदों को दियान करना ही पड़ेगा। ओके फाइनली मैंने सही बंदे दियान कर दिया, अब लेस्टर को बताता हूँ सारी बातें। ये लेस्टर जल्दी, फिलहाल लेस्टर से सारी बातें हो गई है। लेस्टर ने मेरे को बोला ड्राइवर प्लान पर ही रहते, कोई चिंता की बात नहीं है, हमें पता ही था बंदा कभी ना कभी सारा काम करेगा, और मतलब मैंने आपको बोल के रखा ही है, क्योंकि लॉस सैंटोस कोई ऐसी सेफ जगह नहीं है कहीं पर बीच में कि वो जोनेज इसको ना ढूंढ सके, जोनेज के बहुत कॉन्टैक्ट से कहीं ना कहीं उसको ढूंढ लेगा। मेन पॉइंट ये नहीं है, ड्राइवर के पास चला गया कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बैकअप है आंटी। अब आंटी को हम यूज़ करेंगे उसको एक्सचेंज करने के लिए, एंड जोनेज वहाँ पर आएगा मैं उसको पकड़ लूँगा, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसको पकड़ना है मुझे, मेरा स्टार्टिंग से ही टारगेट है उसको आते ही पकड़ लेना है, एंड उसके बाद उससे बहुत सारी हिस्ट्री पता करनी है, एंड फिर देखते हैं उसको मारना है नहीं मारना, फिर डिसाइड करेंगे। चलिए फटाफट से पहले डगन से मिलता हूँ, डगन मेरा प्यारा भाई पहुँच चुका है मिलने के लिए, देखते क्या होगा। उसको बोलता हूँ आर्मी रेडी कर, बैकअप रेडी कर, क्योंकि अगर जोनेज आया तो हमें पहले से अलर्ट रहना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, नहीं तो बाकी चीज़ें देख लेंगे।
चलिए ड्राइवर भैया जल्दी निकलो जल्दी निकलो। अरे पहुंचो भैया जी, इतना टाइम यार क्या चीज़ है यहाँ पर, कुछ दिखता है ना टक्कर लग जाती है यार। गगन भैया थकाता है मुझे, मुझे बोलता है ड्राइवर मैं वहाँ पर नहीं यार, फिलहाल मैं दूसरी जगह भरूँ, यहाँ पर आ जा। गगन भैया फिलहाल फार्म पर है, मैं फिर वहाँ पर चढ़ गया, मैंने सोचा यहीं पर आया होगा मिलने के लिए। गगन मेरे लाल कोई प्लान कोई कुछ भी जल्दी से बता दे, क्योंकि जो ने जिस वक्त कुछ भी कर सकता है एंड ड्राइवर को उसने बिना ट्यूब के रखा हुआ है, एंड जितना बाहर रहेगा ट्यूब से उतनी जल्दी से वो डाउन होता जाएगा, उसके पास जितने घंटे बचोगे वो खत्म हो जाएंगे, जल्दी लेके आना पड़ेगा उसको। भाई जी बोलिए। गगन बोल रहा है ड्राइवर मेरे लाल तो चिंता मत कर, मैं यही बताने आया तेरे को, प्रोग्रेस बहुत तगड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा बंदे हमने ख़त्म कर दिए, जोनिज की आर्मी लगभग हमने 90% ख़त्म कर दिए लॉस सैंटोस से। मैंने बोला बहुत बढ़िया काम है भाई, ये बोल रहा है ड्राइवर आज शाम तक सारी परसेंट खत्म हो जाएगी, मतलब 100% जितने लॉस सैंटोस से बंदे लेके आए थे ना वो सब खत्म हो जाएंगे, अमेजिंग लेवल। गगन तो KGF को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है, आपको याद ही होगा मैंने KGF का बॉस इसको बना करके रखा है, क्योंकि देखो मेरे को टाइम मिलता नहीं है सभी चीज़ों को हैंडल करने में, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको बना देते हैं, ना तो नकली बंदे से दिक्कत होगी एंड ना इससे। चलिए निकलते हैं, जोनेज का फ़ोन आ चुका है, हमारा प्यारा प्यारा जोनेज एक्सचेंज करने के लिए मान गया है, बोल रहा है कि ठीक है मेरी मोम को लेकर के आ जा, पर तूने उनको उठाया कैसे, तेरे को कैसे पता लगा, अभी भी ऐसे ड्रामा कर रहा है भाई जैसे सच असली मोम हो। मैंने बोला वो मेरी टेंशन है, मोम चाहिए तो ड्राइवर लेके आ जा, और मैंने बोला अकेले आना नहीं तो बहुत बुरा मारूंगा, बोल रहा है ठीक है अकेले आऊँगा चिंता मत कर। और चलिए ठीक है जोनेज मान गया है अकेले आने के लिए, ड्राइवर को भी लेके आएगा, पहुँच तो हैंगर में मतलब कि अपने गैरेज में, आंटी जी को लेकर के आता हूँ। आंटी जी आ रहा है ड्राइवर, फिलहाल इस शैतानी आंटी को मैंने खोल दिया है, बड़ी धमकी दी जा रही है, मैंने बोला आंटी शांत हो जाओ, वैसे सर में दर्द है, मैं नहीं चाहता दो गोली मार दूंगा सच्ची में आपको, फिर बोल रही है ड्राइवर तेरे को मेरा बेटा देख लेगा, मैंने बोला यार हद है, ये दोनों के दोनों इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं, ये उसको बेटा बता रही है वो मम्मी बता रहा है, लेना देना कुछ है ही नहीं बीच में। पहुँच चुका हूँ प्यारे प्यारे जोनेज के पास में, फिलहाल देखो ट्रक सामने खड़ा हुआ है तो शायद इसी में ड्राइवर होगा। हेलो आंटी जी आ जाइए, आपका प्यारा बेटा आया है एक्सचेंज के लिए, बोला था ना उल्टे काम मत करना जोनी भैया, नहीं तो नेता बना देगा ड्राइवर आपका, आ जाइए जाइए अपने लाडले बेटे के पास में। हेलो जी जोनेज जी कैसे हो जी, ठीक हो जी, देखो जी क्या करें, चलिए अपना काम शुरू करते हैं, बट एक बार सबसे पहले मैं चेक तो कर लूँ ट्रक में सब कुछ सही है, ट्रक मैंने चेक कर लिया है, कॉफिन है वही, अपना ड्राइवर भी है, सब कुछ ठीक है। मेरे लाल तेरे को शर्म नहीं आती, तूने उस ट्यूब में से इसको निकाला, अबे बदतमीज अगर कुछ हो जाता तो। फिलहाल चलिए जोनी भैया, वैसे एक बात बताओ तुझे अकेला नहीं आना चाहिए था। अबे तू कौन सा ड्राइवर है, तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा, समझ में आया ना, मेरा भी प्लान था तेरे को यहाँ पर अकेले बुलाने का, अब तेरे को यहीं पर मारूंगा एंड अपनी मॉम को भी ले जाऊंगा, एंड ड्राइवर तो मेरे पास है इस ट्रक में, समझा तू, अब बच कर के दिखा। ये जोनी भैया कुछ ज्यादा प्लान बना गया, मुझसे भी ज्यादा एडवांस चल रहा है, अबे जोनी बेटे इतना मारूंगा इतना मारूंगा, अरे भाई साहब अबे नमूनों के सरदार मारेगा नहीं, हद यार सच्ची में कमाल करते हैं बंदे। फिलहाल एक चीज का मेरे को थोड़ा झटका लगा, देखो मैं घूसा मारने वाला था बट मारा भी एंड इसको चोट भी लगी, बहुत दूर चला गया, थोड़ा अजीब लगा यार, मानता हूँ इसमें पावर्स है मेरे बंदे में काफी ज्यादा है, बट देखो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एक सेकंड यार, एक सेकंड अभी यहीं पड़ा हुआ था, सामने था मेरे, यही था बिल्कुल, अगर आपने ध्यान से देखा होगा मेरे सामने का है वो नमूना, कुछ तो गड़बड़ है, अरे रे खराब हो गया सारा काम। देखो सबसे पहला झटका तो ये मेरे को लगा, सिंपल है मेरे को पता था मेरे को धोखा देगा और मैं भी इसको धोखा देने आया था, इसने गन निकाली मैंने घूसा मारा इसको जानबूझ के, बट भाई साहब घूसे से मेरे को पता था थोड़ा दूर गिरेगा, ड्राइवर का रोबोट है एक तरीके का, रोबोट बनता है ये तो, इसके घूसे में काफ़ी पावर है बट इतनी भी नहीं है कि जितनी एडामेंटियम में, इसका घूसे ने ऐसा मारा जैसे एडामेंटियम मारता है, तो गड़बड़ है यार, इसके बारे में पता करना पड़ेगा जिस बंदे के ऊपर स्विच करके हम खेल रहे हैं, फिलहाल तो अभी अपने टीम में, बट ये बदतमीज कहाँ निकल गया, मैं पीछे घूमा तो आंटी गायब, मेरी गाड़ी लेकर भाग गई, सही है भाई सही है, अब बढ़िया है बहुत बढ़िया, बेटा इधर भाग गया घूसा खा गायब हो करके, घूसे में इतनी पावर कैसे आ गई ये मेरे को नहीं पता, बट फिलहाल मारा तो था, गिरा भी था वो बेहोश हुआ था, फिर क्या हुआ, आंटी मेरी गाड़ी लेके भाग गई बहुत बढ़िया, ये माँ बेटे मेरे को परेशान कर रहे हैं, एक काम करते चलिए ड्राइवर को तो लेकर के निकलता हूँ, अच्छी बात क्या ड्राइवर मेरे पास आ चुका है, चलिए एक चीज़ तो मिली कम से कम ड्राइवर तो मिल गया ना, बाकी इन दोनों को देख लूँगा जैसा भी होगा जो भी होगा, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज तो मेरे को ये बंदा कर रहा है जिसके ऊपर हमने स्विच करके रखा है, ड्राइवर के रोबोट में इतनी पावर कैसे आ गई यार। ड्राइवर को मैं फिर से लेकर के पहुँच चुका हूँ भाई अमेजिंग एक बंकर में, देखो दिखने में तो सारे बंकर एक जैसी होती है बट अब की बार ये बहुत अलग लोकेशन है, अंडरग्राउंड है पानी के नीचे, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एरिया है, यहाँ तक पहुँचने में जोनेज को बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को लगता है, इसको तो नहीं ढूंढ पाएगा,
पर फिर भी वो जोन है जे, बट कोई टेंशन की बात नहीं है, अब की बार मैं उसको पहले ही पकड़ लूंगा चाहे वो कुछ भी करे। अब की बार ट्रेवर के पास उसको मैं पहुँचने दूंगा बिल्कुल भी, कोई चिंता नहीं है। निकलता हूँ यहाँ से, बाकी चीज़ें सब कुछ चेक कर लेगा ट्रेवर। चलो मेरे प्यारे भाई बाहर निकलो। लेस्टर को फ़ोन करता हूँ कि लेस्टर कॉन्ग्रेट्स ब्रो, हमारा फ्रेंड हमारे पास फिर से आ चुका है, बट वो माँ बेटे दोनों भाग गए। कोई प्लान है तेरे पास तो बता, एंड गाड़ी भिजवा दे यार, मैं बड़ा परेशान हूँ, ट्रक में यहाँ पर आया हूँ मैं। लेस्टर ने गाड़ी भिजवा दी है, यही बता देगा मेरे को कहाँ पर जाना है। चलिए फटाफट से जोन एज को पकड़ते हैं इससे पहले वो कहीं और निकल जाए। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि जोन एज के कुछ बंदे गैस स्टेशन पर, मतलब कि पेट्रोल वाले स्टेशन पर, वहीं पर खड़े हुए हैं। तो चलिए फटाफट से जाता हूँ, मारना नहीं है फॉलो करना है। वही बंदे हमें लेकर के पहुंचे जोन एज के पास में, ऐसे लेस्टर बोल रहा है या फिर कुछ और तो पता लगेगा ही। फॉलो करते हैं बंदों को, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए ड्राइवर मेरे प्यारे लाल, फटाफट से पहुँचो, निकलो जल्दी से, गाड़ी फड़िया यार। ये तो कहते ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सच्ची में छोटी सी है पर भाग बहुत तेज रही है। जगह पर पहुंच चुका हूँ, करना कुछ नहीं है, वेट करना है। जब यहाँ से बंदे निकलेंगे तो मैं उनको फॉलो करने के लिए मैं भी निकलूंगा, चेक करते हैं कहाँ तक जाएंगे, क्या हिसाब है, सारी चीज़ें मारेंगे तो अपने हाथ हो ही। जितने भी बंदे लेकर के आया है इनको भी मरवाएंगे, बट सबसे पहले काम निकाल करके, थोड़ा किसी को नहीं जाएगा। ये उन्हीं 10% में से बचे हुए जो डगन ने छोड़ के रखे हुए हैं, डगन जल्दी इनको भी साफ कर देगा, मतलब उसके बाद में जो उन्हें रह जाएगा अकेला, उससे डबल क्रॉस करेगा। इसका मतलब पहले ही कुछ सेटअप करके आया था, मैंने जैसे ही घूसा मारा, एक तो मेरे को ये समझ नहीं आया वो इतने दूर कैसे गिर गया। अगर वो मेरे पास होता तो मैं कम से कम उसको साफ तरीके से देख पाता आखिर उसने किया क्या अपने साथ में। बट ये तो बाहुबली हो गया रोबोट ड्राइवर का, पता नहीं क्या खा लिया इसने जो इतना पावरफुल बन गया। ऊपर से ड्राइवर से राज छुपाता है, पता नहीं क्या करके इसे रखा है जो कोड ऑफ फ्यूचर ने बोला था, पता करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं है, दया बड़ा खतरनाक है, दया सब कुछ पता लगा लेगा, अपना दया बड़ा ही टैलेंटेड है। चलिए ड्राइवर मेरे लाल, अब ज़रा थोड़ा इधर से आ जाओ, क्योंकि यहाँ से ही बंदे निकलेंगे शायद से, जैसे मेरे को लगता है पूरा का पूरा एरिया ही बंद करके रखा हुआ है। सही है भाई, पेट्रोल पंप ही कब्जा लिया बंदों ने। बंदे यहाँ से निकले, गाड़ी सामने जा रही है, मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया, थोड़ा पीछे रहूँगा, ज़्यादा आगे रहूँगा तो ये हमारा प्यार लाल हमें देख लेगा, पहचान लेगा और मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। शहर की पुलिस पता नहीं भाई किस किस को मारती रहती है, ये कभी नहीं सुधरेंगे। अबे भाई क्यों किसी को मार रहे हो, वैसे बंदे जो है शरीफ नहीं है आगे, पुलिस की गलती नहीं बोलूँगा मैं, पुलिस को बेचारे कोई मदद थोड़ी आता है किसी को मारने में, ना कि बंदे चोर है यार, मतलब कि हर कोई बंदा यही सोचता है। आम तौर पर बंदा सोचता है मैं बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर ये बनूंगा वो बनूंगा, लॉस्ट एंड उसके बंदे सोचते हैं कि मैं कौन सी गैंग में ज्वाइन करूंगा, वाला वाला बनूंगा, लॉस्ट वाला बनूंगा, या फिर उससे बड़ा खतरनाक क्रिमिनल बनूंगा या सिस्टम के साथ ज्वाइन करूंगा, इनका यही टारगेट होता है। जैसे यहाँ पर भाई बंदे सोचते हैं कि मेरी गूगल में जॉब लग जाए तो लाखों करोड़ों में कमाऊंगा, ऐसे ये बंदे सोचते हैं काश मेरी सिस्टम में काम मिल जाए, सिस्टम माफिया, वहाँ पर नौकरी लग जाए, वहाँ पर उनके साथ मैं ज्वाइन कर लूँ तो सच्ची में लाइफ सेट हो जाएगी, बहुत बड़ा बदमाश बन जाऊँगा मैं, ये सोचे लॉस सैंटोस के बंदों की। बताओ कैसे तरक्की करेगा लॉस सैंटोस, जब बच्चों की सोच ही खराब है, यहाँ पर टारगेट ही इनका माफिया बनना है तो क्या होगा। मैं बड़ा परेशान हूँ यहाँ से, ये बाला वाले बंदे अपने बच्चों को अच्छी बात सिखाते नहीं है, बोलते बेटा ड्राइवर बदमाश है, मैं तेरे को बता रहा हूँ तू अपने बच्चों को बताना, फिर वो अपने बच्चों को बताएंगे, अभी जब तक ड्राइवर तो रहेगा भी नहीं ना, ऐसी सीख देते हैं। मतलब मेरे को तो खानदानी दुश्मन बता के रखा है इन्होंने, इनके बच्चे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पापा ने सब बोला है तू ही हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है, छोड़ेंगे नहीं तेरे को जब मौका मिलेगा। बताओ बाला के मतलब बाला वालों के बच्चे भी मेरे को मारना चाहते हैं, बड़े तो बड़े। पहुंच चुको बंदों को फॉलो करते करते मेन जगह पर, यहाँ पर ये बंदे पहुंचे सेटेलाइट वाले एरिया पर, जो यहाँ पर आप देख रहे हो बड़े बड़े सेटेलाइट है, ये है हमारे आई ए की फैसिलिटी, इसके नीचे आई ए वाली फैसिलिटी है, तो यहीं पर बंदे ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, काफ़ी सब ने हेलीकॉप्टर से, मुझे लगता है फिर से अटैक होने वाला है मेरे घर पर हेलीकॉप्टर से, इसीलिए भाई देखो बंदे मीटिंग करने आए यहाँ पर, और क्या वजह हो सकती है हेलीकॉप्टर वाले बंदों से मीटिंग करना। अब जो वजह है देखो मैं एकदम अटैक नहीं करूँगा, पहले मैं जानता हूँ, देखते हैं आखिर बंदों के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या शैतानी दिमाग ये कर रहे हैं, मतलब क्या शैतानी प्लान है इनके दिमाग में, तब पता लग जाएगा। ड्राइवर भैया ज़रा गाड़ी लेकर के इधर आ जाइए एंड घासों में छुपा दीजिए, वैसे इतने बड़े घास यहाँ पर है नहीं कि पूरी गाड़ी कवर कर लेंगे, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं जब ये बंदे निकलेंगे तो मैं भी यहाँ से निकलूंगा, एंड पता करते हैं कि आखिर हमारे हेलीकॉप्टर बाबा कहाँ तक जाएंगे। जगह पर मैं पहुँच गया था, मैंने सोचा मेरे घर पर अटैक होगा, इस छुआरे के ऊपर अटैक करने के लिए पहुँच गए लेस्टर, तो मैंने तुरंत एकदम अपनी आर्मी को बोला लेस्टर की फैक्ट्री पर हेलीकॉप्टर से लेकर के पहुँच जाओ तुरंत, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा अटैक हो गया लेस्टर के ऊपर, इसलिए मैं तुरंत यहाँ पर पहुँच गया, लेस्टर सेफ है मैंने बचा लिया, मैंने बोल दिया तू पीछे छुप करके रहे मैं सारी चीज़ें देख लूँगा, लेस्टर मेरे प्यार लाल तू यहीं पर रहे, तेरा भाई ड्राइवर जब तक यहाँ पर है कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, भले ये ड्राइवर नकली हो बट दम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि है तो ड्राइवर की कॉपी ना, तो ठीक है चलिए चेक करते हैं सारी चीज़ें। रॉबर्ट फिलिप्स का तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बस काश कल के एपिसोड में आ जाए एंड फिर देखते क्या उनका एक्शन होगा,
क्या करेंगे, किसको मारेंगे, किसको छोड़ेंगे, पता नहीं किस किस को मार देंगे गुस्से में, वो मेरे को खुद नहीं पता कि क्या वो करेंगे फिलहाल। हेलो जी, अरे वाह भाई, आज पहली बार मैंने यहाँ पर नोट किया लेस्टर से बात करने के लिए, अमेजिंग। यहाँ पे पासवर्ड सिस्टम भी है, चलिए ठीक है छोड़िए इसको फिलहाल। ऊपर देखो मेरी आर्मी भी आ रही है, जैसे आप देख रहे हो ग्रीन वाले बंदे मेरे हैं एंड रेड वाले दुश्मन के बंदे हैं। देखो मैं इसको फिर बोलूँगा मैं बाहर लेकर के नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं चाहूँ तो इसको बाहर लेकर के जा सकता हूँ एंड सारे काम हो सकते हैं, बट आपको पता ही है मैंने फिर बोला ये एडवेंटेज वाला बंदा नहीं है, बट पावर तो एडवेंटेज वाली थी यार, इसमें घुसा क्या हमारा, बट फिर भी अगर गोले वोले लग गए तो मैं नहीं चाहता दिक्कत हो जाए, क्योंकि ये लोता बंदा है मेरे पास खेलने के लिए, और बंदे को अगर स्विच करेंगे तो काम ख़राब भी हो सकता है, बंदे घायल हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है बहुत बार। मेरे बंदे दुश्मन के बंदे, पता नहीं चल पा रहा, काफ़ी दूर है बंदा। ए देखो प्लेन उड़ाना नहीं आता दुश्मनों पे, अब हाई वे प्लेन लैंड करा दिया, कैसे काम चलेगा। लेस्टर को मारोगे तो इतने बड़े हो गए बंदे तो, और भी आए जा रहे यार, ये अटैक तो काफ़ी बड़ा हो गया, मैंने सोचा था ये वॉर थोड़ी छोटी होने वाली है एंड तितली उड़ गई, नहीं तितली तो नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, गोली थोड़ी लगेगी, नहीं तो पार्टिकल्स है। तो ठीक है चलिए देखते हैं वॉर कब तक शांत होगी, कब तक नहीं होगी। लेस्टर को लेकर के फिर निकलता हूँ, एक काम करते वॉर शांत क्यों होने दे, अबे लेस्टर चल आ जल्दी, तेरे को लेकर के निकलना है, बाकी बाद में देख लेंगे। लेस्टर को मैंने बोल दिया मेरे साथ आ, तेरे को यहाँ से निकालना पड़ेगा, अटैक तो रुक ही नहीं रहा, बंदे आए जा रहे हैं, लेस्टर की सुपारी लगता तगड़ी दे दी है। जल्दी आ गाड़ी में आकर के बैठ जा, इससे पहले बंदे देख ले, निकलना पड़ेगा दोनों भाइयों के यहाँ से, तेरे को सेफ जगह पे लेकर के निकलता हूँ, तेरे को इतनी बार बोला फैक्ट्री पर मत रहा कर। अबे फैक्ट्री है तेरी जान है, कमाल है यार सच्ची में। अरे भाई भाई भाई, ये फायर वाले बंदे उड़ा दिए, अब की बार तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तगड़े वाली वोर चल के रखी है, बहुत सारे बंदे आके रखे हैं सामने की तरफ जैसे आप देख रहे हो, बट मेरी आर्मी भी छोड़ेगी नहीं, मेरी आर्मी भी एक नंबर है, मेरे को पूरा पक्का भरोसा है, जब तक वो कहते तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक जड़ से ख़त्म करके पहुँचेंगे और फिर बोलेंगे मेरे को ट्रैवर्सर काम हो गया, फिर मैं बोलूँगा अमेजिंग। तो चलिए जल्दी से फटाफट से निकलता हूँ। अरे चाचा हट जा यार, कमाल करते हो, वैसे गलती मेरी थी, ये दुश्मन वाला बंदा अबे कहाँ घूम रहा है, तेरे को बाद में देख लूँगा मैं, आगे बढ़ो। देखे हो मैंने बोला था ना लॉस एंजेलिस ट्रैफिक को जब ज़रूरत होती है भागने की तो भीड़ हो जाती है, जब ज़रूरत नहीं होती तो खाली रोड पर रहते हैं, आगे नमूने अरे कहाँ से आ जाते एकदम से। चलिए ड्राइवर जी निकलो। लेस्टर बकरे को मैंने घर पर छोड़ दिया है, बिल्कुल सेफ है, मतलब घर बोल रहा हूँ अपना एक बेस है यहाँ पर टनल वाला, यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है और बोला कि भाई यहीं पर रह यार, तो प्लीज़ मुसीबत पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो लेस्टर ने फिलहाल चलिए बोला कि ठीक है मैं यहीं पर रहूँगा थोड़े टाइम के लिए एंड अभी इसने इन्फॉर्मेशन दी है कि जल्द तो एक काम कर घर पर जा, गार्ड वाली ड्रेस पहन ट्रेवर की, उसके बाद अपने जोन एज के बेस पर पहुँच, जोन एज मिल गया फिलहाल भाई, जोन एज मिल गया। चलिए फटाफट से इस फाइनली गोर को दिया करते हैं, क्योंकि नहीं तो ये बंदा बाहर रहेगा तो बार बार अटैक करवाता रहेगा, एक बार ये पकड़ में आ जाएगा उसके बाद में इसकी आर्मी तक तो कुछ नहीं कर पाएगी, आर्मी वैसे ही मरी चुकी है लगभग, उसके बाद कोई नया बंदा नहीं आएगा। निकलता हूँ जल्दी से फटाफट से जगह पर, पहुँचो ट्रेवर जी, घर पर जाते हैं आउटफिट चेंज करते हैं। ट्रेवर घर पर, ट्रेवर पहुँच गया था, मैंने आउटफिट चेंज कर लिया फिलहाल, अभी देखो मेरे को सिक्योरिटी वाला बनना पड़ा है, उसके बाद ही हम सारे सारे काम ले सकते हैं, ये सबसे बेस्ट स्टाइल है, क्योंकि यही वाले कपड़े और यही वाले आउटफिट और सिक्योरिटी लेकर जोन एज घूम रहा है, जोन एज का बेस ऊपर की तरफ है। चलिए फटाफट से निकलता हूँ। चलिए मेरे प्यारे ड्राइवर जी, छोटा सा बेस है टेम्प्ररी, दरअसल वहाँ पर वो कुछ कर रहा है, मीटिंग करने गया है, ऐसे नहीं कहा परमानेंट रहता है, वहाँ पर रहने की जगह ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ छोटा सा एरिया है, हेलीपैड है बस, और कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो कैमरा से हमें फुटेज मिली है। तो ठीक है हाइट पर पहुँचते जाते हैं, जल्दी हम जोन एज के बेस तक पहुँच जाएंगे, थोड़ा आगे जाना है वैसे मेरे को, बट फिलहाल मैं पहले ही हाइट पर जा रहा हूँ, देखते फिर कैसे उसको मारूँ, वहाँ पर वहीं पर मारना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, चुपचाप मारना सही रहेगा, डिपेंड करता है, पहले जगह पर पहुँचते हैं। मैं बेस पर पहुँच चुका हूँ, अच्छी बात क्या है मैंने लैंड भी करा दी अपने ऑपरेसर एंड किसी ने कुछ नहीं बोला तो बढ़िया बात है, अगर ये बोलते मेरे को पूछते ज़्यादा सवाल जवाब करते तो फिर मैं इनको तोड़ देता, क्योंकि तो जोन एज ऊपर है, मैंने उसके सामने लैंडिंग नहीं करी, नहीं तो उसको शक हो सकता था, मैं नीचे आया, अब यहाँ से ऊपर चढ़ के आराम से फटाफट से जोन एज भैया के पास पहुँचता हूँ एंड उसके बाद में देखते करना क्या। जोन एज सामने खड़े हैं हमारे प्यारे लाल, और आज जैसे कि आप देख रहे हो हेलीकॉप्टर भी है, जोन एज भी है, ट्रेवर मेरे प्यारे भाई नीचे से बैठ करके निकल लो, कोई चिंता की बात नहीं है, देखो लग गया ट्रेवर, तो ठीक है भाई यहाँ से नहीं निकल पाएगा, कोई और रास्ता ढूंढता हूँ, अंदर निकलता हूँ एंड उसके बाद में चेक करते हैं। अंदर की तरफ पहुँच चुका हूँ, सारे बंदे शांत है, जोन एज लगता है किसी कुछ काम कर रहा है या फिर वेट कर रहा है खड़े खड़े, जो भी है मेरे को पक्का नहीं पता, मैं भी यहाँ पर खड़े रहता हूँ, मौका जब मिलेगा बढ़िया तब देखी जाएगी, अब की बार हाथ से नहीं जाने दूंगा, लास्ट टाइम निकल गया था बट अब की बार नहीं जाने दूंगा, जो भी है जैसा भी है मेरे प्यारे ड्राइवर भाई काम कर दे, नहीं तो असली ड्राइवर को ये छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, और ना तेरे को छोड़ेगा, क्योंकि पहला वही टारगेट है, इसके बाद ये मरेगा, जो भी हो तो मैं देख लूँगा। इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है, ये बंदे आपस में बात कर रहे हैं कि अभी चलिए बस चलते हैं, जोन एज निकलने वाले हैं तो थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर से वो कहीं पर जाएंगे, तो मैं एक काम कर रहा हूँ उनसे पहले, इन सभी से पहले मैं खुद जा करके पायलट बन के बैठ जाता हूँ, ताकि जब जोन एज यहाँ पर आए उसके बाद में मैं ही इसको उड़ाऊँ, क्योंकि कोई और भी जा सकता था,
मेरे को इसका प्लान पता लग गया। थोड़ी देर में फोन आने के बाद में ये लेकर के जाएगा हेलीकॉप्टर को अपने मतलब बंदे के साथ में, कहीं पे इसको जाना था तो कोई भी बंदा यहाँ से उड़ा सकता था प्लेन को, मतलब हेलीकॉप्टर को। तो मैं मौका नहीं छोड़ूंगा, तू किसी और को आने दूँ, पहले खुद ही बैठ जाता हूँ, हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर लेता हूँ। इनको भी शक नहीं होगा, इन्होंने सोचा कि हमारी टीम मेंबर है, चलो पहले ये ले जाएगा उड़ा करके। जो उन्हें जो क्या शक होगा, ये तो सोचेगा मेरी आर्मी का बंदा है। मौके का चौका, वो कहते हैं ना जिसने पहले कदम उठा दिया उसका हेलीकॉप्टर। अच्छा जो उन्हें बैठे, वैसे से एक फ़ायदा होगा, अगर मैं इसको अकेले में लेकर के निकल जाऊँगा तो बढ़िया यार, किसी को ना मारने की जरूरत पड़ेगी एंड दुश्मन अपने हाथ में। देखते कितनी देर में आएगा। फाइनली जोनेज भैया आ चुके हैं, इसने एक फ़ोन पर बात करी एंड उसके बाद में एकदम आ करके हेलीकॉप्टर में बैठ गया। चलिए फटाफट से इसको उड़ा लेते हैं एंड निकलते हैं यहाँ से। बड़ी मतलब कि मेरा आइडिया मस्त काम कर गया, अगर सच्चे में खड़ा ही रहता वहाँ पर एंड मुझसे पहले कोई और बंदा बैठ जाता तो फिर मैं यहाँ पर नहीं बैठ पाता, फिर बोलते कि भाई तू क्यों आ रहा है, मैं लेके तो जा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने पहले ही मौके पर चौका मार दिया, मैं ही बैठ गया पहले ही, तो अब मैं ही ले करके जा रहा हूँ। चलिए बढ़िया, तो जो ने जी कहाँ पर जाने वाले हैं, इसका जीपीएस चेक करता हूँ हेलीकॉप्टर का, देखते क्या इन्होंने डेस्टिनेशन डाल के रखी है या फिर ये मेरे को बताएगा तो वहाँ पर चले जाएंगे, बाकी देख लेंगे। जो ने जी से बात करता हूँ, जो ने जी ने मेरे को बोला फटाफट से सामने की तरफ ले लो डेजर्ट में ही, वहीं पर मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आने वाला है। चलिए बढ़िया, तो सिर्फ सामने जाना है हमें, आराम से पहुँच जाएंगे। देखो अभी प्लेन की मतलब हेलीकॉप्टर की स्पीड जो है 170 के अराउंड ही पहुँच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी और चली जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो बस 170 पे जाके मर ही गया ये 171 और 1 मतलब कि बस 170 ही है भाई, 1 को भी क्या गिन रहे हो, 170 ही इसकी टॉप स्पीड है, मतलब कि 170 टॉप स्पीड है इस हेलीकॉप्टर की। ठीक है चलिए जैसा भी है, बट देखो आसमान में तो ऐसा लगता है स्पीड कुछ है ही नहीं, बट ज़मीन पे मैप के हिसाब से देखोगे तो ऐसा लगता है तेज़ चल रहा है, बट ऊपर के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है फ्रीज हो गया एक जगह पर मैं। चलिए ड्राइवर जी, तो ठीक है भाई पहुँचते हैं जगह पर, देखते किससे मिलने जा रहा है, क्या काम है पता लग जाएगा। मैं ले करके पहुँच गया इसको, ये क्या चल क्या रहा है यार, मिस्टर माइंड से मिलने के लिए आया है। फिलहाल मैं पीछे खड़ा हूँ क्योंकि गार्ड हूँ मैं, आगे नहीं जा सकता। इतना तो मैं सुना थोड़ी थोड़ी सी इनकी बातें, ज़्यादा पास से देखो इतने दूर से इतनी सारी बात समझ में नहीं आती, बट कुछ कुछ मेरे को समझ में आई है। मिस्टर माइंड बोल रहा है कि काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका मतलब मिस्टर माइंड धोखा दे रहा है यार शायद से ट्यूब में, मुझे लगता है हमें ड्राइवर को नहीं डालना चाहिए। एक काम करते मिस्टर माइंड कहाँ से निकल ले, तो इसको बाद में देखूंगा, इसको नहीं तोड़ना भी, जब ये मीटिंग करके निकल जाएगा जोन यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, जोन का तो मैं बनाऊंगा नेता। बस गया बड़ा बुरा, मेरे ऊपर अटैक करके रखा है आज सुबह से ही, एपिसोड के शुरुआत से ही हमारे ऊपर गोली मारने में लगा हुआ है कि ये कर दूंगा, कभी ड्राइवर को मार रहा है, कभी घर पे हेलीकॉप्टर, कभी आग, कभी लेसर के ऊपर अटैक, पता नहीं कितने अटैक करवा दिए इसने आज। चलिए भाई पिटाई टाइम आ चुका है फिलहाल ना, अपना मिस्टर माइंड तो निकलेगा अपनी गाड़ी लेकर के। चलिए बढ़िया, अब जोन एज का मैं नेता बनाऊंगा, यहाँ पर खड़ा होकर के बीड़ी मार रहा है, अभी तक मेरे को बुलाया नहीं, और ना बोला कि चल भाई यहाँ से निकलते हैं। जोने जी भैया पीछे देखो पीछे ये ले, अरे पहले ही अबे मारा भी नहीं जोने जी यार, लगने तो देता, थोड़ा फील तो आने देता, ये पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है जीटी वाले बंदों को, बिना मारे बंदे गिर पड़ते हैं। तो चलिए जोने जी की थोड़ी पिटाई सी करके लेकर के जाऊंगा, लास्ट टाइम घूसा खा के भाग गया था। अरे बस भाई सर पे मत मार, मेमोरी लॉस कर जाएगा ना तो कोई राज नहीं बता पाएगा। तो ठीक है चलिए, फाइनली हमारा बहुत अमेजिंग एंड प्यारा एंड खास बंदा डार्क किंग, अमेजिंग दुश्मन है हमारा एंड खास बंदा डार्क किंग का मेरे कब्जे में फाइनली। अब इसको लेके चलता हूँ, पूछताछ करता हूँ एंड देखते क्या हम लोग पता कर पाएंगे, क्या है नहीं कर पाएंगे, कुछ तो बताएगा ही ना अपना भैया, ना बताएगा तो मज़ा आ जाएगा फिर। फिलहाल मैं जोन एज को हैंगर में लेकर के आ चुका हूँ, बड़ा ज़िद्दी बंदा यार, मुँह नहीं खोल रहा, कोई बात नहीं अभी नहीं खोलेगा तो खुलवा लेंगे, इससे मुँह खुलवा लेंगे जल्दी, मेरे को सारी सारी बातें बताएगा तो फिलहाल। बट मैं आपको बताता हूँ मैंने इसके बारे में जितनी डिटेल्स पता करी है, मैंने आपको तो बता ही दिया इसने पहले, मतलब बहुत टाइम पहले मैं झूठ बोला था इसकी मोमो नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही इसने हमसे छुपाई थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, हमारी आंटी जी बताओ नकली आंटी का मोम बना करके बैठा हुआ है। फिलहाल इसने मैंने इसको ये बात बताई नहीं अभी भी, बट ये बंदा अपने मुंह से भी कुछ नहीं बता रहा ना, तो मैं आपको थोड़ी बात बता देता हूँ। मेरे को यहाँ तक ये बात पता लगी है कि हमारा प्यारा जोन है सच्ची में, इसका टारगेट बिल्कुल ठीक है, ये अपने डार्क किंग को ही मारना चाहता है। उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि डार्क किंग ने इसकी मोम को मारा था, पक्का नहीं है, उड़ती उड़ती खबर है, अपने मुँह से बोलेगा तो कन्फर्म हो जाएगा। उसके अलावा फिलहाल ये बंदा मतलब इसका रिश्ता है कुछ प्रिंस यूवी से, ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रिंस यूवी से इसका कुछ लेना देना है, मतलब कि खानदानी है, जैसे कि प्रिंस यूवी के बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, करते 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 ये उसकी ब्लड लाइन का मेंबर है, ये मेरे को पता लगा है। तो ये बोलूँ उसने कब क्यों मंगवाया था मुझसे,
देखो अब जो भी है जैसा भी है, अब जब ये अपने मुंह से सारे बात बोलेगा तभी हमको इसकी पूरी हिस्ट्री क्लियर हो पाएगी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जितनी मेरे को सारी डिटेल्स अभी तक इसके बारे में पता लग पाई थी मैंने आपको सारी बता दी। मेन पॉइंट तो इसकी मोम के बारे में ही था जो इसने मेरे को सबसे बड़ा झूठ बोला था, इसकी मोम वो है ही नहीं, नमूनों का सरदार। बट ऐसी बात नहीं है, मेरे को ज़्यादा लंबाई खींचेगा, जो नया एपिसोड भाई जो सेकंड चैनल पर एपिसोड आने वाला है आज ही, उसी में मैं इसको तोड़ डालूंगा पूरा का पूरा एंड उसी एपिसोड में सारे सारे सस्पेंस आपको पता लग जाएंगे जितने भी हैं, जितने मुझे पता लगे थे मैंने आपको बता दिए। अब ये जो अपने मुंह से बोलेगा वो पता लग जाएगा। अगर इसने नहीं बोला, मैं यही बोल रहा हूँ, अगर इसने सेकंड चैलेंज के एपिसोड में सारी बातें नहीं बोली तो मैं उसी एपिसोड में इसका दी एंड कर दूंगा। मैं जोन एज को आगे नहीं चलाने वाला बिल्कुल भी। अगर सेकंड चैनल तक इसने बोला तो बोला, मतलब आज ही के डेट में इसने बोला तो बोला, नहीं तो ख़त्म। अब डिपेंड करेगा जोन एज की ज़िंदगी इसके मुंह पर, इसको मैं अब आगे नहीं खींचने वाला बिल्कुल भी। अब ये कैरेक्टर अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर इसने शाम तक कुछ बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो ये बंदे को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। आपको बताइए भाई, इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरे चैनल पर आएगा, अगर आपको नहीं पता तो शाम को 5 बजे इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसी में इसका नेता बनाऊंगा मैं। देख ले जोनेस, तेरे पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, अगर बता देगा तो बच जाएगा। मैंने तो आपको बता दी बहुत सारी बातें एंड लगभग वही 90% सही है। मैं कुछ और डिटेल में इससे जानना चाह रहा हूँ, कुछ और डिटेल में अगर पता लग जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। जोनेज बता दे ब्रो, नहीं तो मरेगा, सर पे गोली मार के दिया कर दूंगा, बात खत्म। देखते कब तक नहीं बोलेगा, शाम तक तो इसका लास्ट में करने वाला हूँ। बट हाँ, अगर इसने बता दिया तो फिर मैं इसको शायद से फिर देखेंगे मारना है नहीं मारना, फिर वो डिपेंड करेगा इसकी हरकतों के ऊपर। बट अगर इसने मुंह नहीं खोला तो फिर तो 100% मैं इसका दिया करूंगा। चलिए ट्रेवर जी निकलिए यहाँ से, पहुँच चुका हूँ मैं, मेरे साइंटिस्ट का मेरे पास फोन आया था, फटाफट से ट्रेवर भाई जल्दी से निकल, आउटफिट भी चेंज करने का टाइम नहीं मिला। हेलो भाइयों, क्या हो गया, क्या दिक्कत है, कुछ पता लगा जल्दी से बोलो मेरे को, सारी बातें छुपाना मत कुछ भी। साइंटिस्ट से बात कर लिए, बंदे बोल रहे ट्रेवर सर हम इनकी पल पल की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, दरअसल हर घंटे बाद ट्रेवर की पूरी चीज़ चेक करते हैं, गिरावट है, मतलब कि इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है, ड्राइवर और भी कमज़ोर होते जा रहा है। बंदे बोल रहे कि ट्रेवर सर अगर ऐसे चलता रहा तो एक दो दिन में मर जाएंगे, नहीं तो ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है इनकी सेहत के ऊपर। बट हमारा तो आइडिया ये है 2-3 दिन या 1-2 दिन बस, इससे ऊपर नहीं। और बोल रहे हैं कि अगर इनको कोई बचा सकता है, ये तो वही आपका बंदा जो आप बोल रहे हैं जोनाथन। भाई जोनाथन कहीं में मिला ही नहीं है, जो उस लड़की एंजल ने बोला था कहीं पर भी नहीं मिला वो बंदा। एंड दूसरे बंदे वैसे पहले नंबर पर मैं उनको डालूंगा, रॉबर्ट फिलिप्स उनको बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही अब एक लौते बंदे बचे दुनिया में जो ट्रेवर को तुरंत बचा सकते हैं। काश वो आ जाए, जल्दी आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोनाथन तो मिल ही नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, हालत बहुत ख़राब है, जोनेज उल्टे काम कर रहा है एंड फ्रेडी को हम ढूंढ नहीं पा रहे। बाकी देखते जैसे भी है, मैंने आपको बाकी फाइनली बता दिया जोनेज के बारे में, आज उसका फाइनल एपिसोड कर देंगे हम लोग। अगर उसने सब कुछ नहीं बताया, बता दिया तो फिर उसको मैं देखता हूँ जैसे करना है वो देख लेंगे। बट मेन टारगेट ट्रेवर को बचाना, रॉबर्ट फिलिप्स को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर निकल गए